नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे व्याकरण से संबंधी। आपका जो पूरा सिलेबस है रीट परीक्षा वालों के लिए, यहां पर आपका अभ्यास हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखिएगा, आपने जो पढ़ाई की है उसका एक रिवीजन होगा बहुत शानदार तरीके से। और मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा आपको जो सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उनको हल करने का तरीका भी पता चलेगा। आप आराम से इस क्लास को देखिएगा और ध्यान देना है कि हमारी तैयारी कैसी है, ठीक है? चलिएगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। और आपका ये आज जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते रहिएगा ताकि आपका डाउट भी दूर हो जाए। चलिएगा, शुरू करते हैं। मैं एक एक अध्याय के प्रश्न बनाकर लाया हूं, साथ में का साथ में उसकी थ्योरी भी है, जहां हमें शॉर्टकट में समझ में आ जाएगा कि 5 लाइन में पूरा अध्याय समझ में आ रहा, वहां हम उस अध्याय की थ्योरी भी पढ़ेंगे। लिखना कुछ भी नहीं पड़ेगा बोर्ड में, सीधा सीधा मैं आपको समझाऊंगा और सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है? चलिएगा, हम पहले उन अध्याय की बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से अंक ज्यादा मिल रहे हैं उनकी बात करेंगे। आपकी सबसे बड़ी यूनिट है वाक्य विचार। क्या है वाक्य विचार? है यहां से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और बहुत सारे सरल सरल से प्रश्न है। देखिएगा, शुरू करते हैं। चलिएगा, अभी हमारा पहला जो अध्याय है वाक्य विचार है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा उस पर हम बात करेंगे। देखिएगा, पहला, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य किस प्रकार का है बताइएगा, ठीक है? जल्दी से, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। देखिएगा, वाक्य विचार में से परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा। जब पहला वाक्य, यहां पर आप देखोगे ये पहला जो वाक्य है ये दूसरे वाक्य पर क्या है, निर्भर है, आश्रित है। जब भी परीक्षा में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो या हम यूं कह सकते आश्रित हो, तो वहां पर आप सदैव क्या करके आइएगा परीक्षा में, मिश्र वाक्य करके आइएगा। तो आपका सभी का विकल्प बिल्कुल, हां, सभी को गुड इवनिंग, चलिएगा, सभी को जय भोलेनाथ की। चलिएगा, शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? अब देखिएगा, यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, अब आपको यह ध्यान देना कि परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि मिश्र वाक्य के उपभेद कितने हैं या मिश्रित वाक्य के उपभेद कितने हैं, एक ही बात है। तो परीक्षा में ध्यान देना है, मिश्र या मिश्रित वाक्य के 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 3। एक तो होता है संज्ञा उपवाक्य, और दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक होता आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है? अब पहचान में क्या करना है देखिएगा, संज्ञा उपवाक्य तो वे कहलाते हैं जो किससे जुड़े हो, की से। याद रखना ये कौन सी की है, परीक्षा में आपको भ्रमित कर सकते हैं, बड़ी की दे देंगे, नहीं, बड़ी की वाले नहीं, जिसमें की छोटी हो वहां पर वाक्य को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। वहां पर आप सदैव करके आइएगा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जो आपका वाक्य है ये हमेशा मिश्र वाक्य का उपभेद बनेगा, तो आप यहां पर सही कर देंगे, संज्ञा उपवाक्य आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। परीक्षा में सब इंस्पेक्टर में भी खूब प्रश्न आए थे की से जुड़े हुए, जहां जहां पर आपको ये की दिखेगी वहां वहां पर आप ध्यान दीजिएगा आपको कौन सा वाक्य करना है, संज्ञा उपवाक्य करना, ये पहचान होती है संज्ञा उपवाक्य की, ठीक है? तो विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगे आप, असंगत है। अब इसमें से आपको एक ऐसा विकल्प ढूंढना है जो कैसा है, असंगत है। देखेंगे, जब मैं उदयपुर में था तब तुम्हारी याद बहुत आती थी, क्रिया विशेषण। देखिएगा, जब आपका वाक्य जब या तब से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, जब या तब से जुड़ा हो, ज्यो ही त्यों से जुड़ा हो, तो वे सदैव वाक्य होते हैं क्रिया विशेषण के। किसके होते हैं? क्रिया विशेषण के होते हैं। किससे जुड़ा हो? जब से, तब से, ज्यो ही त्यों ही। तो ये आपका बिल्कुल संगत है, सही है। मेरा विचार है कि हिंदी की वार्षिक पत्रिका निकालू, संज्ञा उपवाक्य पकड़ लीजिएगा। ये देखिएगा पहचान के लिए क्या बैठा है, कि जहां जहां पर आएगा संज्ञा उपवाक्य होगा, बिल्कुल सही है। फिर देखोगे, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है,
आप देखोगे इसमें आप वाक्य की पहचान कर लीजिएगा क्या आ रहा है, जो जहां पर आएगा, जो जिसका, जिसके, जिसकी, जो के विकारी रूप जहां पर आते हैं वहां पर हमारा विशेषण उपवाक्य होता है। यह भी बिल्कुल संगत है, इसमें से ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जो हमारा असंगत है। आपके तीनों विकल्प सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष है। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। अब देखिएगा परीक्षा के अंदर एक आपको प्रश्न पूछा जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। क्या पूछा जाएगा आपको? रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, रचना के आधार पर। तो याद रखना, रचना के आधार पर हमारे पास में तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। आप सभी जानते हैं भलीभांति, एक हमारा सरल वाक्य होगा, दूसरा हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य हो जाएगा, और एक वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। पहचान बता रहा हूं तीनों वाक्यों की, ध्यान दीजिएगा। सरल वाक्य में हमेशा क्रिया एक ही होगी, मुख्य उद्देश्य या विधेय भी एक ही होगा। दूसरी बात यह ध्यान रखना कि वहां पर कर्ता एक से ज्यादा हो सकते हैं या कर्म भी ज्यादा हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक ही होगी। मिश्र वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है या आश्रित रहता है। फिर हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य के अंदर याद रखना, दो साधारण वाक्यों को किसी अव्यय से जोड़ा जाएगा या दो मिश्र वाक्य को किसी अव्यय से जोड़ा जाएगा, वहां पर हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य होगा। अब देखना, राम आया, भाई से मिला, ये एक वाक्य हो गया सरल वाक्य। राम आया, भाई से मिला, और इसको जोड़ दिया कौन से? अव्यय से जोड़ दिया, और अव्यय से जोड़ दिया। और आगे वाक्य देखोगे, तुरंत लौट गया, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा किससे? अव्यय से। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर, संयुक्त वाक्य। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? दो नंबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दो वाक्यों को जुड़ेगा तभी संयुक्त वाक्य होगा, दो पदों या शब्दों को जोड़ने पर संयुक्त वाक्य नहीं होगा। कैसे? देखिएगा, राम और, यहां पर गलती मत करना परीक्षा में, राम और श्याम मंदिर जाते हैं, ये गलती मत करना यहां पर, भावुक मत हो जाना परीक्षा में, ऐसे आएंगे आपको भावुक करने के लिए शब्द। अब इसमें आप देख रहे हो आउर से जुड़ तो रहा है, परंतु साथियों यहां पर ध्यान देना, ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य नहीं कर रहा है, यहां पर दो पदों को जोड़ने का कार्य करना है। अब ये जो वाक्य आपके समक्ष है ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य है। क्या कहलाएगा? ये सरल वाक्य है। यहां पर दो कर्ता है, एक कर्ता तो आपका राम है, दूसरा कर्ता आपका श्याम है। तो दो कर्ता को जब जोड़ा जाएगा किसी अव्यय से तो वे संयुक्त वाक्य नहीं कहलाएंगे, वे सरल ही कहलाएंगे। ठीक है, चलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं इतनी मीठी दूध नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब जो ये प्रश्न पूछा गया है आपको किस पर आधारित है, ध्यान दीजिए, वाक्य के तत्व या गुण कह सकते हो, वाक्य के आप तत्व या गुण कह लो। वाक्य के तत्व या गुण कितने होते हैं? पांच। कितने होते हैं? पांच। तो अब कौन कौन सा होगा वो आपके समक्ष लिखे हैं, देखिएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे कि मैं इतनी मीठी दूध नहीं पी सकता। अब देखो, दूध जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? यह पुल्लिंग शब्द है। और यहां पर आप देखोगे कि मीठी जो है वो आपका ये शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। अब देखना इसको क्या कहते हैं, जब वाक्य के अंदर कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार, जिसके भी अनुसार क्रिया होनी चाहिए थी उसके अनुसार यदि क्रिया वचन लिंग नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं अनविति। क्या कहते हैं? अनविति। तो इसमें किस प्रकार का दोष है? तो याद रखना, इसमें अनविति या अन्वय का दोष है। किसका दोष है? अनविति या अन्वय, एक ही बात है। अब इसका सही क्या बनेगा देखना, मैं इतना नहीं, मैं इतनी नहीं, इतना मीठा दूध नहीं पी सकता, मैं इतना मीठा दूध नहीं पी सकता, ये बिल्कुल अब सही वाक्य बन जाएगा। तो इसमें दोष है। अब दूसरा दोष देखिएगा,
पदक्रम का दोष देखिएगा, पदक्रम का मतलब यह होता है कि वाक्य के अंदर कर्ता सबसे पहले आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। ऐसा मान लो कि इनका कर्म उलट दिया जाए तो वहां पर भी हमारा पदक्रम से संबंधी दोष होगा। फिर हम बात करेंगे क्रिया का, क्रिया संबंधी भी दोष हो सकता है। फिर लिखा है सर्वनाम का। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। यहां से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, निश्चित है। अब देखिएगा उद्देश्य और विधेय, ये उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, तो ध्यान रखना सदैव ये वाक्य के अंग होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य का संदेह वाक्य में रूपांतरण क्या होगा, मनीषा दसवीं में पढ़ती हैं। अब देखिएगा क्या प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान रखना। यहां पर आपको एक वाक्य दिया गया है, उसका आपको वाक्य में परिवर्तन करना है, संदेह वाक्य में। किसमें करना, संदेह। संदेह या संदेहार्थक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें संदेह होता है, जिसमें क्या होता है, संदेह होता है, वह संदेहार्थक वाक्य कहलाएंगे। मनीषा दसवीं में नहीं पढ़ती, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, मनीषा दसवीं में पढ़ती होगी, बस यही है, मनीषा दसवीं में पढ़ती होगी। अब पढ़ती होगी ऐसा क्या है, संदेह है मन में, ठीक है। तो आपका विकल्प दूसरा, बिल्कुल आप सभी सही दे रहे, बहुत बढ़िया। चलिएगा हमारी स्पीड थोड़ी सी AK-47 की तरह रहेगी, आपको सुनना है, तुरंत जवाब देना है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, यह वाक्य किस प्रकार का है, क्या बोल रहा है, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। अब देखिएगा जब कर्ता आपको कोई शुभकामनाएं दे, अभिशाप दे, कुछ भी दे ऐसा, तो समझ जाना वहां पर आपको कौन सा वाक्य करना है, इच्छावाचक वाक्य या नकारात्मक या निषेधात्मक या विधिवाचक। तो याद रखना वे वाच्य आपके इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य एक ही बात है, जिसमें शुभकामना, मैं बोलू आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या बोला मैंने, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छार्थक वाक्य, ये कर्ता की इच्छा है। आपका रेट में सिलेक्शन हो जाए, ये कर्ता की इच्छा है, या आपका इच्छार्थक वाक्य। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। वापिस बता रहा हूं, नोट कर लेना, कल का पेपर देखोगे उसमें यह प्रश्न जरूर मिलेगा कि उद्देश्य और विधेय का एक वाक्य आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा, ये याद रखना। तो इसका कॉन्सेप्ट है बहुत सरल सा, समझ लेना, बिल्कुल घबराना मत, अभी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार पूछा जा रहा, पूछ क्या रहा है उसको ध्यान देना, विधेय का विस्तार पूछ रहा है। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि विधेय का विस्तार तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एक तो उद्देश्य होता है, क्या कहलाएगा, एक आपका उद्देश्य होगा और एक आपका इसमें विधेय होगा, ये दोनों तो प्रमुख रूप से होते ही हैं, इनके विस्तार की भी बात करेंगे। उद्देश्य का मतलब यही है, वाक्य के अंदर जो कर्ता है वही आपका उद्देश्य है, और वाक्य की जो क्रिया है, वाक्य की जो क्रिया है वही आपका विधेय है। एक बात और याद रखना, सब इंस्पेक्टर में प्रश्न आया था, यदि इस कर्ता की जगह पर, याद रखना कोई भी हो सकता, जरूर नहीं आपको वहां किसी का नाम ही मिले, कर्ता की जगह पर यदि कोई संज्ञा होगा तो भी वह आपका उद्देश्य कहलाएगा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। यदि कर्ता के स्थान पर कोई सर्वनाम आ जाएगा तो भी वो आपका उद्देश्य बनेगा, गलती मत करना। चलिएगा अब बात करते हैं इनके विस्तार की बात करते हैं, तो याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से कि उद्देश्य का विस्तार कौन होगा, उद्देश्य का विस्तार कौन होगा। तो याद रखना उद्देश्य का जो विस्तार होता है वह कर्ता या कर्ता का विशेषण कौन होगा, कर्ता या कर्ता का विशेषण होगा। याद रखना कर्ता के साथ में जो कोई भी शब्द जुड़ा होगा वह उद्देश्य का विस्तार होगा, और क्रिया विधेय का विस्तार कौन होगा, तो ध्यान रखना क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, विधेय के विस्तार, या इसी के साथ में आप जोड़ लेना कोई कर्म आ जाएगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, विधेय का विस्तार। अब वापस से ध्यान से सुन लेना, एक ही लाइन में कंप्लीट करूंगा, वाक्य में जो मुख्य कर्ता है
वह आपका क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। वाक्य में जो मुख्य क्रिया है वह आपके क्या कहलाएगी? विधेय कहलाएगी। यदि कर्ता के साथ में कोई विशेषण या कोई अन्य शब्द कर्ता के लिए आया है तो वो उद्देश्य के विस्तार कहलाएंगे, उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। और विधेय विस्तार वे कहलाते हैं, या तो कोई क्रिया विशेषण शब्द होगा या वहां पर कोई कर्म होगा, वो आपके विधेय का विस्तार कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, विधेय का विस्तार छोटा भाई या धार्मिक पुस्तकें अधिक या मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। फटाफट से उत्तर दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट, यहां पर विधेय का विस्तार क्या है? मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब ये तो पढ़ता है, ये तो एक एक का पोस्टमार्टम देखना, पढ़ता है ये आपका विधेय है, पढ़ता है ये क्या है? विधेय है। अब आप यहां पर देखोगे कि प्रशांत, प्रशांत क्या करता है, तो ये प्रशांत जो है ये आपका उद्देश्य बन जाएगा। और इसमें उद्देश्य का विस्तार कौन है? मेरा छोटा भाई, ये आपका उद्देश्य का विस्तार है। ये आपका उद्देश्य का विस्तार है। किसका विस्तार है? उद्देश्य का विस्तार है। और दूसरी बात अब यहां पर करेंगे, धार्मिक पुस्तकें अधिक, तो ये धार्मिक पुस्तकें अधिक है, यही आपका क्या है? विधेय का विस्तार है। क्या है? विधेय का विस्तार है। विकल्प आपके सामने है और आप ऐसा विकल्प ढूंढेंगे तो आपको विकल्प मिल जाएगा, कौन सा? दो नंबर। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सभी के दो नंबर सही है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा जल्दी से, यहां पर वाच्य से संबंधी है, इसके प्रश्न आएंगे तब बात करते हैं। चलिएगा अब देखिएगा आपके समक्ष, यहां पर आपकी परीक्षा में कुछ लोगों के जो वाच्य से संबंधी दिक्कत आती है, पता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में एक दो उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जिसकी वजह से विद्यार्थी को भ्रम में उत्पन्न होता है। देखिएगा अब बात करते हैं, यहां पर वाच्य से संबंधी आपके उद्देश्य विधेय समाप्त हो जाते हैं, परीक्षा में घबराना नहीं। देखिएगा, प्रिया से कविता पढ़ी जाती है, प्रयुक्त में वाच्य है। देखिएगा, प्रिया से कविता पढ़ी जाती है। अब मैं आपको वाच्य से संबंधी बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, अब सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कुछ भी याद मत रखना, सिर्फ तीन बातें याद रखना, वाच्य का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जिसके साथ में से या के द्वारा आया है, क्या आया? से, वकर्ता के साथ में से या के द्वारा आ जाएगा, से या के द्वारा आएगा। और साथ में यदि कर्म आएगा तो वहां पर सदैव कर्म वाच्य होगा। आप देख लो, करता है, प्रिया से कविता पढ़ी जाती, ये आपका कर्म पढ़ी जाती, प्रयुक्त में वाच्य है, आपको सही करना है कौन सा? कर्म वाच्य, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मैं भाववाच्य में बदल दूं, विद्यार्थी से अब याद रखना, प्रिया से पढ़ा जाता है, प्रिया से पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है, प्रिया से पढ़ा जाता है, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा, प्रिया से पढ़ा जाता है। अब यहां पर आप कर्मवाच्य मत कर देना, यहां पर से के द्वारा भाववाच्य में आएगा परंतु कर्म नहीं आएगा, इस वाक्य में कहीं पे भी कर्म नहीं है, ये आपका भाववाच्य बनेगा। क्या बनेगा? भाववाच्य बन जाएगा। अभी मैं आपके सामने फॉर्मूले लाऊंगा, देखिएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न, वाच्य के महत्वपूर्ण उदाहरण, क्या लिखा है? वाच्य के महत्वपूर्ण उदाहरण। अब आप इसमें देखोगे तो आपको ध्यान रखना, वाच्य के महत्वपूर्ण उदाहरण में नियम आपको मैं पहले बता देता हूं, इसी नियम के आधार पर आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अब ये रहे नियम, ये रहा आपका वाच्य परिवर्तन संबंधी। अब देखो, कर्तृवाच्य आपको परीक्षा में करना है तो इस चीज को याद रखना, कर्ता के साथ में ने आएगा फिर क्रिया आ जाएगी, क्या आ जाएगी? कर्ता के साथ में ने या फिर क्रिया आ जाएगी। और अब क्रिया चाहे तो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, कोई लेना देना नहीं, आपका वाच्य क्या होगा? कर्तृ, सदैव ध्यान, जहां जहां पर कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह आएगा वहां वहां पर आपको कर्तृवाच्य करना। देखो, प्रेमचंद ने पुस्तक खरीदी, अब यहां पर यह खरीदी जो है स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, ये क्रिया इस कर्म के अनुसार है, परंतु इस ने कारक चिन्ह की वजह से आपको ध्यान रखना, कर्तृवाच्य ही करना है, चाहे क्रिया कर्म के अनुसार आए। दूसरा देखिएगा, लड़के ने पुस्तक खरीदी, यहां पर भी ने कारक चिन्ह है, आपको कर्तृवाच्य करना। अब इसी को आपको दूसरे वाच्य में परिवर्तन करना, परीक्षा में आएगा तो भी यही फॉर्मूला रहेगा। देखोगे,
कर्ता के साथ में से द्वारा या के द्वारा प्लस में कर्म आएगा और क्रिया आएगी। यहां पर एक बात याद रखना, ये कर्म व क्रिया दोनों एक समान होंगे। कैसे होंगे? एक समान होंगे। वहां पर हमारा कर्मवाच्य होगा कैसे? प्रेमचंद के द्वारा कहानी लिखी गई। देखो ये के द्वारा से द्वारा आ गया, कहानी स्त्रीलिंग है, लिखी गई ये भी स्त्रीलिंग है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें मुख्य क्रिया के साथ में जा क्रिया का समावेश स्वतः ही हो जाएगा। जा क्रिया का मतलब जैसे कि ये गई, इसमें जा क्रिया का समावेश स्वतः ही हो जाएगा। राम ने उपन्यास खरीदा, राम से उपन्यास खरीदा गया। से के द्वारा का प्रयोग कर सकते हो और यहां पर जा क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। अब आ जाओ भाववाच्य में, एक ही फॉर्मूला होगा। कर्ता के साथ में से या के द्वारा का प्रयोग होगा और क्रिया। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना भाववाच्य के बारे में, यहां पर गलती करते हैं विद्यार्थी, उस बात को सुधार लेना। कर्ता के साथ में से या के द्वारा भाववाच्य में भी आएगा और कर्मवाच्य में भी आएगा। अंतर इतना सा है कि भाववाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी। कैसी होगी? पुल्लिंग होगी। और हमेशा क्रिया एक वचन में होनी चाहिए। भाववाच्य के अंदर क्रिया किसी भी परिस्थिति में स्त्रीलिंग और बहुवचन नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना। दूसरा देखना, प्रेमचंद के द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा जाता है। अब प्रेमचंद के द्वारा लिखा जाता है, अब देखो यहां पर क्या लिखा है? के द्वारा। क्या लिखा है? के द्वारा। परंतु आप यहां पर देखोगे तो कहीं पर भी आपको कर्म नहीं दिया गया, इसका मतलब ये भाववाच्य। और अंत में क्रिया देखोगे तो कौन सी क्रिया है? पुल्लिंग क्रिया है। राम से खरीदा जाता है, यहां पर भी से के द्वारा का प्रयोग है, एकवचन में क्रिया है और पुल्लिंग है। तो आपको यह याद रखना कि यहां पर केवल एकवचन पुल्लिंग, क्या है? एकवचन और पुल्लिंग को याद रखना है। यहां पर स्त्रीलिंग क्रिया और बहुवचन क्रिया कभी नहीं आएगी। इसमें भी जा क्रिया का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? जा क्रिया का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कर्तृवाच्य में कभी भी जा क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस वाच्य में कर्म कौन कौन सा, क्रिया कौन कौन सी आती। तो याद रखना, कर्तृवाच्य में अकर्मक भी आ सकती है, सकर्मक भी आ सकती है। कर्मवाच्य में याद रखना केवल सकर्मक, कौन सी क्रिया आएगी? केवल सकर्मक क्रिया आती है, याद रखना। और भाववाच्य में आपको याद रखना केवल अकर्मक क्रिया आती, कौन सी क्रिया आएगी? केवल अकर्मक क्रिया आएगी, याद रखना। ये प्रश्न आपके लैंग्वेज में बना सकते हैं, कौन सा अशुद्ध है या नहीं, कौन सा संगत है या नहीं, इनको आप अच्छे से याद रखना। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्न हल करना, अब दूसरा देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नकारात्मकता का बोध तीनों वाच्यों में होता है। कुछ विद्यार्थी के दिमाग में रटा हुआ रहता है कि जहां जहां पर नहीं आएगा भाववाच्य करेंगे, गलत हो जाएगा। देखना वही फॉर्मूले है, केवल आपको इतना सा ध्यान रखना, मैं नहीं जोड़कर बता रहा हूं। प्रेमचंद ने कहानी नहीं लिखी, देखो ये नहीं आया, सीधा सीधा आप कर लो कर्तृवाच्य। फिर से के द्वारा का प्रयोग होगा और वहां पर भी नहीं आएगा, और जो क्रिया है वो आपकी क्रिया इस कर्म के अनुसार होगी, वहां पर भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। देखना, प्रेमचंद के द्वारा कहानी नहीं लिखी गई, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, भाववाच्य नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, चलिएगा। अब आप देखोगे राम से उपन्यास नहीं खरीदा गया, तो यहां पर से के द्वारा का प्रयोग हो गया, नहीं का प्रयोग हो रहा, परंतु क्रिया कर्म के अनुसार है, यहां पर भी कर्मवाच्य, यहां पर भी आएगा नहीं। देखोगे आप, कर्ता के साथ में से के द्वारा का प्रयोग, मुख्य क्रिया आ जाएगी और नहीं आ जाएगा। देखो प्रेमचंद के द्वारा लिखा नहीं जाता है और राम से खरीदा नहीं जाता, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना, असमर्थता का बोध केवल भाववाच्य में होता है, केवल भाववाच्य में, केवल भाववाच्य में। किसका बोध? असमर्थता का। असमर्थता का मतलब क्या है बता देता हूं। असमर्थता का मतलब होता है कि मैं कोई कार्य करना तो चाहता हूं परंतु किसी कारण से वह कार्य मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो इसे असमर्थता का भाव कहते हैं। नकारात्मकता का भाव तीनों वाच्यों में हो सकता है, असमर्थता का भाव जो है वो आपके केवल भाववाच्य में होता। कैसे? जैसे कि नकारात्मकता क्या, मैं साफ साफ मना कर दूं, ये तो नकारात्मकता, परंतु मैं किसी कार्य को करना तो चाहता हूं, किसी कारणवश कर नहीं पा रहा हूं। जैसे आंखों में दर्द के कारण पढ़ा नहीं जाता, अब आंखों में दर्द है इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये असमर्थता हो गई। चलिएगा, इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना। आगे वाला उदाहरण देखिएगा, अगला देखिएगा, ये प्रश्न हो गया था,
अब आपके सामने देखो वाच्य के महत्वपूर्ण उदाहरण, हो सकता है ऐसा का ऐसा परीक्षा में आएगा और वाच्य के उदाहरण फिक्स होते हैं। अब इनमें से आपको एक एक का पता करना है, सीधा सीधा बताऊंगा, देखना। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, बता दिया ब्रह्मास्त्र क्या था, जहां जहां पर ने आएगा कर्ता का, ये कर्ता रहा, इसके साथ में ने आ गया, हमारा वाच्य हो जाएगा कौन सा, कर्तृवाच्य। कुछ कहना नहीं, कुछ सोचना नहीं, सीधा सीधा उत्तर कर्तृवाच्य। मैं प्रतिदिन खेलता हूं, इस वाक्य में कोई कारक चिन्ह नहीं है, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो याद रखना ये मैं क्या है, सर्वनाम है, कर्ता के अनुसार क्रिया है। जब कर्ता के अनुसार वाक्य में क्रिया होती है तो उसे भी हम कौन सा वाच्य करते हैं, कर्तृवाच्य करते हैं। क्या करते हैं, कर्तृवाच्य करते हैं। अगला देखिएगा, प्रेमचंद ने गोदान लिखा, वाक्य में कौन आ रहा है, ने आ रहा है, क्या करना है हमें, कर्तृवाच्य करना है। क्या करना है हमें, कर्तृवाच्य करना। अगला देखो, को मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, अब यहां पर ये मैं कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ रहा हूं क्रिया, ये जो क्रिया है आपकी इस कर्ता के अनुसार है, इस कर्म के अनुसार नहीं। जब कर्ता के अनुसार क्रिया होगी तब आपका वाच्य हो जाएगा कौन सा, कर्तृवाच्य। कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। चलिएगा अगला वाक्य देखिएगा, वह बाजार जा रहा है, ये वह है, इसके अनुसार क्रिया ये भी आपका कर्तृवाच्य। अगला आप देखोगे, दर्जी द्वारा कमीज सील दी गई, अब देखना दर्जी द्वारा कमीज सील दी गई, ये दर्जी कर्ता है, अब से के द्वारा, परंतु एक बात याद रखना, कर्तृवाच्य में कभी भी से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना, से या के द्वारा, से या के द्वारा का प्रयोग कर्त्री में नहीं होता है, कर्तृवाच्य में नहीं। तो याद रखना, से या के द्वारा का प्रयोग कभी भी कर्तृवाच्य में नहीं होगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अगला देखिए, मुझसे पत्र पढ़ा नहीं गया, अब देखो यहां पर भी से आया, यहां पर दर्जी द्वारा कमीज सिल दी गई, तो देखो ये क्रिया जो है ये आप ध्यान रखना, दर्जी द्वारा कमीज इस कर्म के अनुसार आई है, किसके अनुसार आई, इस कर्म के अनुसार, ये आपका कर्मवाच्य होगा। अब कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। अगला आप वाक्य देखोगे, मुझसे क्या लिखा, मुझसे पत्र पढ़ा नहीं गया, अब इस नहीं को देखकर भाववाच्य मत करना, पत्र कर्म है, से आ रहा है, यहां पर भी ध्यान रखना ये जो क्रिया है इस पत्र के अनुसार है, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। भावुक मत होना कि नहीं देखकर आप भाववाच्य कर ले। अगला देखोगे, आदेश का पालन किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि जहां जहां पर कर्ता को वाक्य से अज्ञात कर दिया जाता है, कर्ता अज्ञात हो, कर्ता अज्ञात हो, मतलब उस वाक्य में कर्ता उपस्थित ही नहीं हो, अब आदेश का पालन किया गया, किसी के द्वारा तो किया गया होगा, तो उस कर्ता को वहां छुपा दिया, परंतु याद रखना ये हमारा आदेश क्या है, कर्म है, किया गया क्या हो जाएगा, क्रिया है, ये क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं कर्म के अनुसार है, तो याद रखना ये भी कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, क्या लिखा, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, से कर्ता के साथ में से के द्वारा का प्रयोग, नहीं का भी प्रयोग हो रहा, तो नहीं का प्रयोग तो तीनों वाच्यों में हो सकता। अब इंपॉर्टेंट बात, इस वाक्य में देखो कहीं पर भी आपको कर्म नजर आ रहा क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये उदाहरण आपका भाववाच्य का हो जाएगा। यही तो इंपॉर्टेंट बात है, यही आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। हिमे से दौड़ा नहीं जाता, ये देखो से का प्रयोग है कर्ता के साथ में, नहीं का प्रयोग भी हो गया, जाता क्रिया का प्रयोग भी हो गया, परंतु इसमें कर्म नहीं है, इसका मतलब ये उदाहरण आपका भाववाच्य का है। किसका है, भाववाच्य का। अगला, बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, तो बच्चे के साथ में कर्ता के साथ में से के द्वारा का प्रयोग है, पीछे जा क्रिया का भी प्रयोग है, कर्म नहीं है, इसका मतलब ये उदाहरण भी आपका भाववाच्य का है। किसका है, भाववाच्य का। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, यहां पर भी आप देखोगे से के द्वारा का प्रयोग है परंतु कर्ता नहीं है, तो ये आपका भी भाववाच्य हो जाएगा, कर्म नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हल कर सकते हो। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, से का प्रयोग है, नहीं का आ गया, परंतु कर्म नहीं है, इसलिए इस उदाहरण में कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। छात्रों से चला नहीं जाता, से का प्रयोग हो गया, छात्रों से चला नहीं जाता, कर्म नहीं है, भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अगला देखोगे, वृद्ध से झुका नहीं जाता, ये असमर्थता हो गई,
अब ये असमर्थता है, वृद्ध है इसलिए वह झुक नहीं सकता, वो झुकना चाहता है परंतु वृद्धावस्था के कारण वह झुक नहीं पा रहा है, झुकने में असमर्थ है। जहां पर असमर्थ होता है वहां पर आपका उदाहरण हो जाएगा भाववाच्य का, किसका होगा भाववाच्य। अगला देखो, मुझसे धूप में बैठा नहीं जाता, बैठना चाहते हो आप परंतु धूप है इसलिए आप उसमें असमर्थ हो, यह भी आपका भाववाच्य क्या बन जाएगा, भाववाच्य बन जाएगा। अगला देखोगे, गर्मी में खूब नहाया जाता है, ये उदाहरण भी आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य का हो जाएगा। ये वाच्य से संबंधित मैंने आपके सारे डाउट बता दिए। देखिएगा अगला अगला प्रश्न देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य विचार। अब देखिएगा परीक्षा में आपको ध्यान देना, वाक्य विचार बहुत बड़ा अध्याय है, अर्थ के आधार पर आपको परीक्षा में पूछे कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो ध्यान देना आपको 8 प्रकार के वाक्य, कितने होते हैं 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब 8 प्रकार के वाक्यों की यदि मैं बात करूंगा तो एक एक वाक्य लिखा है उसका सामने मैं आपको लिख दूंगा। मोहन विद्यालय जा रहा, जहां पर कार्य के बारे में सामान्य बात कही गई हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, विद्यार्थक। विद्यार्थक वाक्य क्या कहते हैं, विद्यार्थक वाक्य कहते हैं। मोहन विद्यालय नहीं गया, अब मोहन विद्यालय नहीं गया जहां पर नकारात्मकता का भाव हो, निषेधवाचक, निषेध कौन सा वाक्य कहलाएगा, निषेधवाचक कहलाएगा। घर पर कौन आया, जहां पर वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो यह हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थ एक ही बात है। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, जहां पर आपको ध्यान दो कहीं उपदेश दिया जाए, क्या दिया जाए, उपदेश दिया जाए या ऐसा वाक्य हो तो वहां पर हो जाएगा इच्छावाचक, तुम यहां से जाओ, इसमें आदेश का भाव है, आज्ञार्थक वाक्य, ये हो जाएगा आपका आज्ञार्थक वाक्य। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अब अगले उदाहरण देखिएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, जहां पर आपको विस्मय का भाव हो, वाह कितना सुंदर दृश्य, विस्मय का भाव हो, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये परीक्षा में आ सकते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या लिखा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह भी आपका इच्छार्थक वाक्य है, कर्ता की इच्छा हो वहां पर। फिर देखो कि वह चला गया होगा, वह चला गया होगा मतलब इसमें क्या है, संदेह है, तो यह हो जाएगा संदेहार्थक, संदेहवाचक वाक्य, कैसा वाक्य हो जाएगा, संदेहवाचक। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी हो, पहला वाक्य जब दूसरे वाक्य पर निर्भर हो तो ऐसा वाक्य कहलाता है संकेतवाचक, क्या कहलाएगा, संकेतवाचक, क्या कहलाएगा, संकेतवाचक। इस प्रकार से आपका जो वाक्य विचार वाला बहुत शानदार अध्याय है, जिनमें से एक दो प्रश्न आएंगे, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, विकारी शब्द, यहां से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो याद रखना। अब हम बात करेंगे विकारी शब्दों के बारे में कि विकारी शब्द से कौन कौन सा प्रश्न बनता है, क्या क्या है देखेंगे आप। यहां पर आपके सामने विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, तो परीक्षा में ध्यान देना 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिएगा एक बार अच्छे से। हाँ, विकारी शब्द के आपको भेद पूछे, परीक्षा में जवाब देना है, 4 भेद होते हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द के भेद है। चलिएगा अब बात करते हैं एक एक प्रश्न के बारे में, पूरा अध्याय इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखोगे आप, सबसे पहले बात करेंगे किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब आपको यह ढूंढना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना रहा है, विषमता, ये भाववाचक तो है, विषमदनता, तो विषम अपने आप में सर्वनाम तो है नहीं, विषम का मतलब क्या होता है, विशेषण है, संख्या, विषम संख्या, कैसी संख्या, विषम संख्या, संख्या की विशेषता बता रहा, तो विषम जो शब्द है वो विशेषण है, समता, सम का मतलब
अब जानते हैं ये अपने आप में क्या है, विशेषण है, आर्थिकता, आर्थिक, आर्थिक स्थिति, कैसी स्थिति आर्थिक, ये भी विशेषण है। ममता, मम धनता, मम जो शब्द है वह आपका सर्वनाम है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब परीक्षा में देखो यहां से भी प्रश्न एक आएगा ही आएगा, और वह प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि कौन सा शब्द किस भाववाचक संज्ञा और किस से बनकर आया, ये जरूर पूछेगा। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष यहां पर देखिएगा, मैंने आपको एक प्रश्न करवा दिया, अब परीक्षा में क्या पूछा जाएगा उसको आप समझ लीजिएगा जल्दी से, केवल सुनते रहिएगा, देखिएगा। यहां पर लिखा है भाववाचक संज्ञाओं की रचना शब्द के अंत में क्या जोड़कर प्रत्यय लगाकर पांच प्रकार से की जाती है, तो आपको दो दो उदाहरणों से समझ में आ जाएगा पूरे अध्याय। एक तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बढ़ा सकते हो, एक सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बढ़ा सकते हो, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बढ़ा सकते हो, क्रिया से बना सकते हो, अव्यय से बना सकते हो। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार से होती है, ध्यान रखना चार प्रकार से नहीं पांच प्रकार से होती। अगला प्रश्न देखिएगा, अब एक एक की रचना कर लेते, देखो पहला हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना करें, तो इधर जातिवाचक संज्ञा है और इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो तुरंत क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे मानव, मानव अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, मानव में मैंने ता प्रत्यय जोड़ा, क्या बन चुका, भाववाचक मानवता। तो मानवता जो भाववाचक संज्ञा है यह किससे बनकर आया है, परीक्षा में पूछे तो जातिवाचक संज्ञा से बनकर आया। भाववाचक संज्ञा के वे उदाहरण होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, हाथों से छू नहीं सकते हैं, वे समस्त उदाहरण आपके भाववाचक के होंगे। तो पहला वाक्य, पहला जो शब्द था वह जातिवाचक से बनकर आया, शत्रु जातिवाचक संज्ञा है, ता प्रत्यय जोड़ोगे क्या बन जाएगा, शत्रुता। तो शत्रुता एक प्रकार का भाव होता है। शिशु जातिवाचक संज्ञा है, अप्रत्यय जोड़ोगे क्या बन जाएगा, शैशव, शैशव भाव है, क्योंकि ये अपने आप में एक अवस्था है। इस प्रकार से आप जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाओं की परीक्षा में रचना कर सकते हो, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके समक्ष दो नंबर, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना, इधर सर्वनाम है, प्रत्यय जोड़ोगे तुरंत क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा। अपना सर्वनाम है, ता जोड़ोगे, इसमें अपना पन, पन जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, पन, ये बन जाएगा अपना पन, भाववाचक संज्ञा होगी। मम, मम में ता जोड़ोगे तो ममता बनेगा, त्व जोड़ोगे ममत्व, तो भाववाचक संज्ञा। तो अपनापन या ममता कभी दिखती नहीं है, मां की ममता कभी दिखती है क्या, नहीं दिखती, ये अपने आप में एक भाव है। अगला देखोगे स्व, स्व में आप त्व प्रत्यय जोड़ोगे, ये बन जाएगा स्वत्व। ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण किससे बनकर आ रहे हैं, तो संज्ञा से नहीं, अब ये सर्वनाम से बनकर आ रहे हैं। अगला प्रश्न विशेषण से, अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना होगी तीन नंबर, ठीक है, इधर विशेषण होगा, यहां पर प्रत्यय और यहां पर भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण है, सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द बनेगा सौंदर्य। आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को यही पता नहीं होता कि इसमें सुंदर और सौंदर्य और सुंदरता क्या है। सुंदर विशेषण है, मोहन सुंदर है, मोहन की विशेषता बता रहा, सुंदर शब्द है, यह प्रत्यय जोड़ने पर सौंदर्य बनेगा जो आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ता प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा सुंदरता, वो भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। आलसी विशेषण है, यह प्रत्यय जोड़ोगे बन जाएगा आलस्य। मधुर क्या शब्द है, विशेषण है, यह जोड़ोगे तो माधुर्य बनेगा, ता जोड़ोगे तो मधुरता बनेगा। दोनों ही अपने आप में याद रखना भाववाचक संज्ञा है, माधुर्य और मधुरता। तो इन बातों को ध्यान रखना, ये मैंने आपको विशेषण से भाववाचक की रचना सिखा दी। परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा कि ये शब्द भाववाचक तो है परंतु बनकर किसे आया, तुरंत प्रत्यय को अलग करना है और उस मूल शब्द की पहचान करनी कि मूल शब्द क्या है। चार नंबर पे बात करेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना, क्रिया से भाववाचक की रचना कैसे होगी। देखोगे आप लड़ या लड़ना, ये क्रिया है, अब इससे भाववाचक क्या हो जाएगा, लड़ाई। लड़ाई अपने आप में भाव है, लड़ाई कभी दिखती नहीं है। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये लड़ाई मैं देख पा रहा हूं, आप लड़ाई को नहीं देख पा रहे हो, आप दो व्यक्ति देख रहे हो, लड़ाई अपने आप में एक भाव है, ठीक है, याद रखना। खेलना, खेलना से भाववाचक संज्ञा बनेगी खेल। दौड़ना, दौड़ना से भाववाचक संज्ञा बनेगी दौड़। इसका आप थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
अगला अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से मैं आपके सामने जितने उदाहरण ला रहा हूं यही उदाहरण है, ध्यान रखना। अब आप बात करोगे अव्यय, या इसी को आप कह दो अविकारी, क्या कह सकते हो अविकारी, और अव्यय या अविकारी से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे करेंगे। अव्यय यहां पर देखोगे निकट, निकट अव्यय है, अव्यय उसे कहते हैं जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार कभी उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। देखोगे आप निकट, निकट में ता जोड़ोगे तो भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी निकटता। समीप, समीप में आप या ता प्रत्यय जोड़ोगे, जोड़ोगे तो सामीप्य भाववाचक संज्ञा है, समीपता भाववाचक संज्ञा बनेगा। बहुल में य जोड़ोगे तो बाहुल्य भाववाचक है, ता जोड़ोगे तो बहुलता बनेगा। शीघ्र में आप ता जोड़ोगे तो शीघ्रता बन जाएगा। दूर में आप ई प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा दूरी। तो ये सारे के सारे अव्यय हैं, इनमें प्रत्यय जोड़ा तुरंत किसकी रचना हो गई भाववाचक संज्ञा की। इसको आप डायग्राम को अच्छे से देख लेना, हो सकता है परीक्षा में एक यहां से ऐसा प्रश्न बन सकता है, इसको जल्दी से देखिएगा। चलिएगा एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला देखिएगा, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम। देखो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई आ रहा है, जब कोई आ रहा है तो ये तो निश्चय नहीं है, तो सीधा सा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखना, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई आ रहा है वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है, कोई आ रहा है, तो याद रखना कोई कुछ, ध्यान रखना ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है देखिएगा। जो सोएगा वह खोएगा, यह अच्छा है वह नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो याद रखना जो सो वाक्य में क्या आएगा, जहां पर आएगा जो या सो आएगा, तो समझ जाना ये वाक्य आपके कौन से सर्वनाम के हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के वाक्य बनाएंगे, तो आपका यहां पर विकल्प सही हो जाएगा पहला। कर लोगे हल, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, तो तुम आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। बहुत शानदार प्रश्न पूछा, तो याद रखना तू तुम आप, ये तीनों के तीनों आप देखना कर्ता, यहां पर ध्यान रखना वक्ता बोलने वाले के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष वाले कहलाएंगे। तो मैं आपके नाम पे तू कर सकता हूं, तुम या आपका प्रयोग कर सकता हूं, तो ये हो जाएंगे मध्यम पुरुष। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां पर याद रखना आप सर्वनाम का प्रयोग कितनी जगह पर होगा, तो आप सर्वनाम का प्रयोग यहां पर तीन जगह पर होता है, इस बात को याद रखना। एक तो मध्यम पुरुष में होगा, आप सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुष में भी होगा, याद रखना आप सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष में भी होगा, और आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक में भी होगा, किसमें होगा निजवाचक में भी होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि अगर हमें परीक्षा में तीनों विकल्प ऐसे दे दिया जाए कि आपका प्रयोग किस किस में होता है और अलग अलग से दे, तो केवल निजवाचक भी सही हो सकता है, परंतु तीनों में होता है ऐसा विकल्प आए उपयुक्त सभी, तो हम सभी कर सकते हैं, इन तीनों में आपका प्रयोग होगा। अगला देखिएगा, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। देखो अब सतीश तो क्या है, चंचल और बालक, चंचल जो शब्द है यह विशेषण है, क्या है विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा सतीश की, तो सतीश जो होगा वह आपका विशेष्य बनेगा, क्या बनेगा विशेष्य। परीक्षा में पूछा जाता है कि विशेष्य मूल रूप से कौन होते हैं, तो यह जवाब देना संज्ञा या सर्वनाम ही हमारे विशेष्य होते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंचल जो शब्द है यह आपका गुणवाचक विशेषण है। छोटा बड़ा लंबा ये सारे, सुंदर मधुर कटु ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं, ध्यान रखना ठीक है। चलेगा, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। देखो बहुत जब शब्द आया है, अब बहुत का मतलब तो कोई निश्चित तो नहीं, ये तो अनिश्चित है, कितना भी हो सकता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है अनिश्चित है, कैसा है अनिश्चित है। अब अनिश्चित के अंदर बात करते हैं कि आगे क्या दिया गया, खाता है, अब यहां पर इसको गिन तो नहीं सकते हो, तो आपको ध्यान रखना
ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, विकल्प आपका चौथा सही होगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, ये याद रखना, एक बार परीक्षा में आया था, सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से गलती मत करना, ये परीक्षा में आ सकता है। वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट। तो याद रखना, ये वह आदमी संज्ञा है, हंसता है, ये इस आदमी के बारे में, मतलब संज्ञा के बारे में कथन है, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब थोड़ा सा समझाना, समझने का प्रयास करना कि कौन कौन सा सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण बनते हैं, कौन कौन से नहीं बनते हैं। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, यह वही उदाहरण है, वापिस रिपीट हो रहा, पहला वाक्य ही सही होगा। अब आपके सामने सार्वनामिक विशेषण की यहां पर मैं रचना बता रहा हूं, कैसे पहचानोगे परीक्षा में, एक ही ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, उसी को याद रखना, उस नियम को लागू कर देना, आपके उत्तर गलत नहीं होगा। देखिएगा सार्वनामिक विशेषण के बारे में, सार्वनामिक विशेषण की पहचान लिखा है, सबसे पहले वाक्य में क्या होना चाहिए? सर्वनाम। सर्वनाम के बाद में संज्ञा आएगी, संज्ञा के बारे में एक कथन होगा जो सदैव आपको संज्ञा के बारे में बताएगा, मतलब ये कथन हमेशा इस संज्ञा के बारे में होना चाहिए, सर्वनाम के बारे में नहीं। फिर विशेषण आ सकता है और क्रिया आएगी। 99% उदाहरणों में आपको विशेषण मिलेगा, 99% उदाहरणों में आपको विशेषण मिलेगा ही मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, वह पुस्तक महंगी है, क्या लिखा? वह पुस्तक महंगी है। यहां पर ये वह तो सर्वनाम था, परंतु पुस्तक क्या है? संज्ञा है, वह सर्वनाम था, सर्वनाम, देखो सर्वनाम वह आ गया, संज्ञा पुस्तक आ गई, महंगी है, ये महंगी जो शब्द है पुस्तक के लिए आया, वह के लिए नहीं आया, तो पहला वाक्य आपका सार्वनामिक विशेषण का क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, यह साड़ी काली है, यह विशेषण था, परंतु साड़ी संज्ञा है, काली है। अब ये जो वाक्य आया इस साड़ी के अनुसार आया, तो अब याद रखना वह, यह, ये दोनों के दोनों उदाहरण सार्वनामिक विशेषण के हैं। किसके हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण के होंगे। अगला आप देखोगे, यह बच्चा शरारती है, यहां पर ये यह जो है अब सार्वनामिक विशेषण बन गया। ये देखो संज्ञा, ये संज्ञा के बारे में कथन है, ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण है, याद रखना, यह भी क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अगला, यह बालक होनहार है, यह आपका सार्वनामिक विशेषण है, बालक संज्ञा है, यह बालक के बारे में कथन है जो विशेषण है, यह भी आपका सार्वनामिक विशेषण है। अब अगला आप देखोगे, वह पुस्तक पढ़ रहा, अब इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पर गलती मत करना, यदि यहां पर आपने कोई गलती की है तो परीक्षा में नंबर कट सकता है बाहर। ध्यान दीजिएगा, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब आप भावुक मत होना इस फॉर्मूले को देखकर कि सर आपने बताया था कि सर्वनाम के बाद संज्ञा आती, नहीं, ये पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, मैं इस वह की जगह तो मैं राम लिख दूं, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब आप यहां पर देखोगे राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये तो जो संज्ञा है उसके स्थान पर आ गया। इसमें याद रखना सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या आप कह सकते हो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक। तो ये केवल और केवल सर्वनाम का उदाहरण है, याद रखना ये वाक्य आपका सर्वनाम है, इस बात को याद रखना, इसमें आप गलती मत करना, सार्वनामिक विशेषण की बहुत अच्छे से ध्यान देना, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आया था, ठीक है, चलिएगा। वह पुस्तक है, वह पुस्तक है, निश्चयवाचक, निश्चय का बोध करवा रहा है, याद रखना इसमें आप सर्वनाम ही करें, यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं बनेगा, ये भी आपका सर्वनाम है, याद रखना, वापिस बोल रहा हूं, ये जो वह है यह आपका सर्वनाम है, क्या है? सर्वनाम है। तो ऊपर के जो चार वाक्य हैं वो आपके सार्वनामिक विशेषण के हैं, और जो दो वाक्य हैं पांचवा छठवा, ये जो आपके वाक्य हैं ये सर्वनाम के हैं। याद रखो कि संज्ञा सर्वनाम हो, संज्ञा हो, परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीछे जो आपको कथन दिया गया है वो कथन आपका किसके बारे में हो? संज्ञा के बारे में हो, इस बात को बहुत अच्छे से देख लेना, ये आपके सार्वनामिक विशेषण के प्रश्न बना सकता है। ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, फिर अच्छे से कर लेना। आगे की ओर बढ़ो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है?
सकर्मक क्रिया का मतलब वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। रमेश भोजन कर रहा है, रमेश करता है, और इस वाक्य में आप देखोगे ये भोजन कर्म है, भोजन क्या है, कर्म है, यही तो वाक्य है जो सकर्मक क्रिया। रेशमा बंधायु जा रही है, अब ये यहां पर ध्यान रखना ये कर्म नहीं है। तारे टिमटिमा रहे हैं, यहां पे भी कोई कर्म नहीं है। नदी बह रही, यहां पर भी कोई कर्म नहीं है। तो ये जो तीन वाक्य हैं ये आपके अकर्मक क्रिया के हैं। किस क्रिया के हैं? अकर्मक क्रिया के। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मैं वापस बता रहा हूं, कोई सा भी लेवल हो, चाहे फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल हो, सभी का सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा, पूरी व्याकरण आपके आज समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। यहां पर मैं बात करूंगा अव्यय या अविकारी शब्दों के बारे में। एक बात याद रखना, पूरे सिलेबस में अव्यय या अविकारी शब्द नहीं है, केवल और केवल आपके सिलेबस में एक ही टॉपिक दिया गया है, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की नहीं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अभी एक ही उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। वह अचानक चला गया, अब देखो चला गया, इस क्रिया की विशेषता कौन से शब्द से बताई जा रही है? इस अचानक शब्द से इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही। तो ये अचानक जो शब्द है ये आपका अव्यय है, इसको चाहे अव्यय कह दो या अविकारी कह दो। अब ये कौन सा है? तो याद रखना कि जिसके साथ में आप कैसे कैसे प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो रीतिवाचक हो जाएगा, कितना का उत्तर मिलेगा तो आपको परिमाणवाचक करना है। क्या करना है परीक्षा में? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और आप प्रश्न करोगे कहां, कहां का उत्तर मिलेगा तो आपको परीक्षा में जवाब देना है, ये स्थानवाचक का हो जाएगा। और कब, कब का उत्तर मिले तो परीक्षा में आपको करना है कालवाचक। अब तीनों के प्रश्न कर लो, वह अचानक चला गया, प्रश्न करो कब चला गया, उत्तर नहीं मिलेगा। अगर इसका उत्तर मिलता तो मैं इसको कालवाचक कर देता। कहां चला गया, उत्तर नहीं मिल रहा है। कितना चला गया, उत्तर नहीं मिल रहा है। कैसे चला गया, उत्तर मिलेगा। कैसे? अचानक चला गया, मतलब कैसे का उत्तर मिला तो रीतिवाचक कर लो। यहां पर देखो रीतिवाचक है क्या, तीसरे विकल्प में बैठा है रीतिवाचक, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। अगला देखिएगा आपके समक्ष, ये लो, आपको आज एक प्रश्न के साथ में पूरा का पूरा अध्याय समझ में आ जाता है। देखो अब आपके सामने मैंने एक एक उदाहरण लिया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, पहचान में, पहचान के लिए क्या प्रयोग में लेना है, कितना प्रश्न करना है। राम बहुत खाता है, कितना खाता है, बहुत। ये देखो ये आ गया आपका बहुत, कौन सा क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, पहचान क्या करनी है, कब, कब का प्रश्न करोगे, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं, प्रश्न करोगे कब पढ़ता हूं, प्रतिदिन, तो समय का बोध करवा रहा है, ये आपका हो जाएगा प्रतिदिन कालवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पहचान क्या है, कहां, मोहन पीछे बैठा है, प्रश्न करोगे कहां बैठा है, उत्तर मिलेगा तुरंत, पीछे। ये रहा आपका अव्यय, कहां का उत्तर मिल गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, पहचान के लिए क्या करना है, कैसे का प्रश्न। सीता धीरे धीरे चलती है, सीता धीरे धीरे चलती है, प्रश्न करोगे कैसे चलती है, धीरे धीरे, इसमें आपका अव्यय कौन बनेगा, ये धीरे धीरे, ये बन जाएगा रीतिवाचक। तो ये आपके क्रिया विशेषण सिलेबस में है, और ऐसे ही उदाहरण आएंगे, ध्यान रखना। हो सकता है कोई शब्द दे दे और सीधा सा प्रश्न पूछ ले, बताओ कि ये कैसे, जैसे कि प्रश्न है अकस्मात, बताओ कौन सा क्रिया विशेषण है, तो परीक्षा में घबराना नहीं है, आपकी मर्जी आया जो एक छोटा सा उस शब्द के साथ एक वाक्य बना लो। ऐसा तो नहीं कह सकते अकस्मात खाता हूं, नहीं, राम अकस्मात आया, कैसे आया, अकस्मात आया, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो ऐसे ध्यान रखना। चलिएगा अगला प्रश्न आपके, ये क्रिया विशेषण समाप्त हो जाता है। चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जल्दी से, घबराओ मत, अभी आपको सिर्फ सुनना है, पूरी व्याकरण आपकी रिवाइज हो जाएगी शानदार तरीके से, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, कल आपको जाते ही पेपर में हल करना। देखो अब बात करते हैं, राम बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विशेष्य है, आपके सिलेबस में साफ शब्दों में एक लाइन लिखी है, विशेष्य कौन है, तो ध्यान से देखना कि राम बहुत सुंदर है, इसमें विशेष्य हो जाएगा आपका राम। अब इस शब्द का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, एक एक का देखिएगा, राम
बहुत सुंदर है। पोस्टमार्टम देखना, एक एक बता रहा हूं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, याद रखना, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द आपके विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते। ध्यान रखना, विशेष्य के अंदर भी कौन कौन, मतलब ये मत समझना कि केवल संज्ञा ही आएगी, नहीं, संज्ञा व सर्वनाम ही आपके क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सुंदर, सुंदर से विशेषता बताई जा रही है, तो ये सुंदर शब्द आपका क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। दूसरा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखना, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों से, या हम यूं कह सकते हैं जो विशेषण के भी विशेषण होते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ये अब सुंदर तो है, परंतु कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो ये जो बहुत शब्द है यही आपका क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, विशेषण बता दिया, प्रविशेषण बता दिया, और आपको विशेषण के साथ साथ में मैंने विशेष्य भी बता दिया। परीक्षा में ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि विशेष्य होते हैं संज्ञा सर्वनाम, तीसरा विकल्प देगा संज्ञा व सर्वनाम, तो ध्यान रखना विशेष्य संज्ञा व सर्वनाम दोनों होते। मैं इस राम की जगह यह भी तो लिख सकता हूं कि वह सुंदर है। क्या लिख सकता हूं? वह बहुत सुंदर है। चलिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका एक नंबर यहां से फिक्स है। थोड़ा सा ध्यान देना, वाक्य चाहे कैसा भी आए, घुमाकर आए, बड़े आए, छोटे आए, घबराना मत, कॉन्सेप्ट भूलना मत, कॉन्सेप्ट से चलना तो परीक्षा में गलत नहीं होगा। ये आपका एक नंबर यहां पर परीक्षा में कल छपेगा। बात करते हैं काल के बारे में। क्या बात करते हैं? काल का एक प्रश्न आएगा, सुनना ध्यान से, केवल एक काल समझ लो, तीनों काल आपके हो जाएंगे। ये लीजिएगा, आपके सामने काल का एक प्रश्न है, बाकी पूरा टॉपिक हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? देखो, चुका था, पीछे क्या आ रहा? था, थे, थी आ रहे, मतलब काम जो है खाने का वो बहुत समय पूर्व हो गया। जब काम, कोई कार्य जो है बहुत समय पूर्व हो जाता है, तो ऐसे काल को हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। ये सही हो गया। अब देखो काल का कॉन्सेप्ट और ब्रह्मास्त्र के साथ। ये रहे काल के 5 उदाहरण से 6 उदाहरण, इसमें आपका पूरा का पूरा काल आ जाएगा। देखो, समझना आराम से, आसानी से। इधर उदाहरण है, इधर भूतकाल के प्रकार बता रहा हूं। ये सामने लिखा है भूतकाल, भूतकाल के परीक्षा में प्रकार पूछे तो एक ही जवाब देना है। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मोहन ने पुस्तक पढ़ी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना सा दिमाग आपको लगाना है कि कौन से काल का उदाहरण है, भूतकाल का है, एक वर्तमान का है, या भविष्य काल का। तो याद रखना, कुछ हिंट मैं बता रहा हूं। ये जो नए कारक चिन्ह है आपके समक्ष, आप देखोगे ये जो नए कारक चिन्ह आ रहा है, ये नए कारक चिन्ह याद रखना हमेशा भूतकाल का ही बोध करवाता। नए आएगा मतलब ये तो कंफर्म है कि ये भूतकाल है, ठीक है। चलिएगा, काल 3 प्रकार के होते, मैंने आपको भूतकाल के 6 प्रकार बताए। हाँ, काल पूछे तो याद रखना काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, और भूतकाल है वो आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब आपको जवाब देना यहां पर, देखिएगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब यहां पर क्रिया देखना, मोहन ने पुस्तक पढ़ी है, जब पीछे क्रिया के अंत में आ आए, या ई आए, या ए आए, या एक दूसरा शब्द और आए, अथवा में याद रखना चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके आ जाए, ठीक है। जब धातु के साथ में आ, ई, ए आए, और याद रखना चुका, चुकी आए, और भूतकाल की क्रिया हो, वहां पर हमारा हो जाएगा सामान्य भूतकाल। तो पहला उदाहरण आपका किसका हो जाएगा? सामान्य भूत का। किसका बनेगा? ये सामान्य भूत का। सामान्य भूत का उदाहरण ही आपके सारे वाक्य बना देगा, ठीक है। चलिएगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी है। अब देखो ये फॉर्मूला ऊपर बना है, जब सामान्य भूतकाल में आप जोड़ देते हो हैं या हूं, ये देखो हैं जुड़ा है, बाकी पूरा पूरा वाक्य वही है। ये हैं जुड़ा, इसका मतलब कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। अब इस काल को आप कह सकते हो आसन भूत। कौन सा काल कह सकते हो? इसको आसन भूत कह सकते हो। याद रखना इस वाक्य में ध्यान देना, ये नहीं आ रहा, ये भूतकाल का बोध करा रहा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब अभी अभी पढ़ी है। दूसरा देखिएगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी थी,
अब याद रखना, सामान्य भूतकाल में था थे थी जोड़ोगे, क्या क्या जोड़ोगे? था हो सकता है, थे हो सकते हैं। ये आप जब जोड़ोगे तो याद रखना कार्य बहुत समय पहले हो गया था, ऐसे काल को कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण भूतकाल कहते हैं, याद रखना। अब यहां पर वाक्य कैसा भी दे दो परीक्षा में, चाहे घुमा के दो, लंबा दे दो, उस शब्द में कुछ भी दे दो, आपको पता होना चाहिए ये पीछे ऐसे क्रिया के साथ। और याद रखना ऊट पटांग वाक्य कभी नहीं पूछे जाते, ये परीक्षा में ध्यान रखना, आपको काल हमेशा क्रिया रूपों का होता है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, जहां पर रहा रही रहा और पीछे था थे थी आए, याद रखना क्या बोल रहा हूं, रहा रही रहे, पीछे क्या जुड़ा हो, था थे थी। तो याद रखना वर्तमान में काम चल तो रहा था परंतु पूरा नहीं हुआ और पीछे था थे थी जुड़ा, इसका मतलब पुराने समय की बात है, कार्य चल ही रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, यह आपका अपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत, ये आपका बनेगा अपूर्ण भूत। अगला देखोगे, मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब याद रखना, अभी मैं आपके क्लियर कर दूंगा, संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो नए से पता चलता है कि भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है, पढ़ी होगी, होगा, होगी, होंगे, आएंगे, तो संदेह हो रहा है, यह आपका वाक्य बन जाएगा संदिग्ध भूतकाल। क्या बन जाएगा? संदिग्ध भूत। क्या बनेगा? संदिग्ध भूत बनेगा। अगला वाक्य देखोगे, यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, पहली क्रिया यहां पर याद रखना, तो से यदि से जुड़ी हो, तो यदि से जुड़ी हो और भूतकाल का वाक्य हो, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, तो ऐसा आपके फेवरेट फेवरेट में एक काल है, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या है? हेतु हेतु मद भूत, ये आपका हो जाएगा, ये अब काल है, इसको याद रखना। अब मुझे पता है बहुत अच्छे से, अब आपके सबसे ज्यादा जो भ्रम होता है वो होता है संदिग्ध वर्तमान में और संदिग्ध भूत में, इसका पोस्टमार्टम देख लेना, कभी गलत नहीं होगा, यही देख लेना, यही बता देता हूं। मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी और मोहन पुस्तक पढ़ता होगा। देखो अब कोई दिक्कत नहीं, अब परीक्षा में आपको संदिग्ध भूतकाल में और संदिग्ध वर्तमान में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कारण समझ लेना। इस नए से तो ये बोध हो जाता है कि ये भूत की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? भूतकाल की, और पीछे देख लो आप, होगा होगी आएगा, ये वाक्य आपका हो जाएगा संदिग्ध भूत। क्या हो जाएगा? ये वाक्य आपका संदिग्ध भूत होगा, कभी गलत मत करना, परीक्षा में ध्यान देना, यहीं से आपको उदाहरण पकड़ना है। अब बात करते इसकी, इसमें नाने नैनी तो है नहीं, तो इसमें लिखा है मोहन पुस्तक पढ़ता, ताते ती, जहां पर ताते ती आएगा वहां वहां पर आपको याद रखना, ये यहां पर अब वर्तमान का बोध करवा रहा, किसका बोध करवा रहा? वर्तमान का, पीछे जोड़ दिया होगा होगी होंगे, तो मोहन पुस्तक पढ़ता होगा, ऐसा मन में क्या है? संदेह है, यह आ गया संदेह, ये कर लो आप। संदिग्ध वर्तमान क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। अब फटाफट मुझे एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और जल्दी से बताइएगा, दोनों में आपके डाउट क्लियर हो गया, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फटाफट मुझे यस लिख के बताइए, फिर आगे की ओर बढ़ते, ये सही होगा आपका, फटाफट बताइए, जवाब दीजिएगा जल्दी से, क्या इसमें कोई डाउट रहा है क्या? हाँ, पुलिस शब्द में एक वचन होता है, अभी वचन का टॉपिक आएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सीधे से दो ब्रह्मास्त्र दूंगा, वचन लिंग सारे अध्याय, इसके बाद वचन आ रहा है, आपके कोई डाउट नहीं रहेगा, तुरंत सही हो जाएगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है, चलो आगे आ जाओ फटाफट। ये लो आपके वर्तमान काल के, देख लो भेद, परीक्षा में एक उदाहरण छपेगा आपके फिक्स यहां से, तो बिल्कुल सही करके आना, कल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां पर क्या लिखा है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, सामान्य बात हो रही है, सामान्य वर्तमान कर लो, ताते ती आएगा सामान्य वर्तमान,
जहां पर ता है ती है ते है आ जाए, सामान्य बात हो रही है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। मोहन पुस्तक पढ़ता होगा, ताते ती होगा होगी होंगे, क्या आना चाहिए? ताते ती होगा होगी होंगे आएंगे, तो सीधा सा क्या करना है? संदिग्ध वर्तमान क्या कर दोगे? संदिग्ध वर्तमान करोगे। क्या करोगे इसमें? संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, अगला देखिएगा, शायद पिताजी आए हो, शायद पिताजी आए हो। ठीक है, या तो शायद पिताजी आए हो या शायद पिताजी आते हो, शायद पिताजी आए हो या आते हो, ऐसा मन में क्या है? संभावना है, यह संभाव्य, संभाव्य वर्तमान, वर्तमान हो जाएगा जहां पर संभावना का बोध हो। संभाव्य और संदिग्ध में अंतर बहुत साफ है। संदिग्ध का मतलब वहां पर कार्य संदेह में हो, ठीक है, और यहां पर क्या है? संभावना है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यह वर्तमान में कार्य क्या है? जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, जिसमें काम अभी भी जारी हो। अब इसी को मैं बोल दूं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, इसमें मैं ये कह दूं कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, गलती मत करना परीक्षा में, जब पीछे में पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, रहा रहा के साथ में था थे थी आ जाए तो याद कर लेना, ये अपूर्ण भूत है। अब कैसा काल होगा? अपूर्ण भूत, दोनों को साथ में लिख दिया, संदिग्ध में भी और यहां पर ये याद रखना, अपूर्ण में भी याद रखना। ठीक है, चलिएगा अगला उदाहरण देखना, ये काल अब देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देखना, वर्तमान काल बता दिया, ये कि ये सारी बातें भविष्य काल में होगी, भविष्य काल में भी सामान्य यही बातें होती, उसमें आपको ध्यान रखना, एक यही कॉन्सेप्ट लागू होगा जैसा वर्तमान में और भूतकाल में हुआ, उसको आप भविष्य में लागू कर सकते हो। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों काल इंपोर्टेंट है, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, और आप सभी भी उत्तर दे रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। चलिएगा, ये लीजिएगा अगला अध्याय है, ये भी आपके एक नंबर का प्रश्न, 100% आपकी कॉपी में छपेगा कल, लिंग। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं, परीक्षा में याद दीजिएगा, अब बात करते हैं लिंग, हिंदी में लिंग के प्रकार कितने होते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दो प्रकार होते हैं, एक आपका स्त्रीलिंग होगा, दूसरा आपका पुल्लिंग होगा। अब आपको मैं एक ही बात बताऊंगा, परीक्षा में देखो शब्दों पे बात नहीं होती है, शब्द तो असंख्य शब्द होते हैं हिंदी में, ब्रह्मास्त्र या कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपने पास, सही हो जाएगा उत्तर। देखिएगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, आपको सीधे सीधे पहचान करनी, किन्नर, अहिंसा, अंतर या अपरिग्रह। याद रखिएगा, किन्नर शब्द है, हम वाक्य बनाएंगे, देखो वाक्य बनाना है, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, दिए गए शब्द के साथ, दिए गए शब्द के साथ, शब्द के साथ, दिए गए शब्द के साथ वाक्य बनाइए, आपको एक वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने पर देखो, यदि अंतिम ध्वनि आ की आए या अंतिम ध्वनि ए की आए, जब आ की आए तो आप उस शब्द को खुशी खुशी पुल्लिंग कर सकते हैं, जब ए की ध्वनि आए तो आप उस शब्द को हमेशा स्त्रीलिंग कीजिएगा। मैं वापस बता रहा हूं, परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो लिंग वाले अध्याय में तुक्के लगाते हैं, ऐसे बैठते हैं और विचार करते हैं कि मैं इसमें स्त्रीलिंग करूं, इसमें पुल्लिंग करूं, कुछ नहीं करना है, उस शब्द के साथ में एक छोटा सा वाक्य बनाना है, दिए गए शब्द के साथ वाक्य बनाओ, अंतिम ध्वनि पे गौर करो कि आ रहा है पुल्लिंग कर दो, ई आया स्त्रीलिंग, किन्नर, किन्नर आ गया, आ गई नहीं कहते हैं, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अहिंसा, अहिंसा अच्छी है, हिंसा अच्छी नहीं है, अहिंसा अच्छी है, अहिंसा का याद रखना, ये आपका पहला विकल्प नहीं, दूसरा सही होगा। अंतर बड़ा है या अंतर बड़ी है, ऐसा नहीं कहते, अंतर बड़ा है ऐसा कहते, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अपरिग्रह, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है, तो याद रखना दूसरा विकल्प सही होगा। अब देखो आगे, ये लो आपके सामने, मैंने ब्रह्मास्त्र को अच्छे से बता दिया, लिंग के प्रकार कितने होते हैं? दो, एक स्त्रीलिंग होगा, दूसरा पुल्लिंग। पहचान क्या है? दिए गए शब्द के साथ वाक्य बनाइएगा, अंतिम ध्वनि आ की आए शब्द पुल्लिंग होता है, अंतिम ध्वनि ई की आए शब्द स्त्रीलिंग होता है,
देख लो आपके सामने मैं बहुत सारे शब्द लिख दूं, बस एक बात याद रखना, एक ही बात याद रखना कि किसी शब्द में दो शब्द आ जाए वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, गंगा कृषि कन्या या गंगा जल, घबराना नहीं है। जब एक ही आपको ऐसे दो शब्द एक साथ जोड़कर दे दे और पूछे कि इसमें बताओ, अरे ऋषि कन्या आ गई, ऐसा थोड़ी बोलोगे ऋषि कन्या आ गया, नहीं ऋषि कन्या आ गई। तो याद रखना जब ऐसे दो शब्द जुड़े हो तो दूसरे पद के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो कन्या शब्द नहीं, ऋषि कन्या शब्द में पूरे शब्द में आपको लिंग पूछे तो परीक्षा में जवाब देना है स्त्रीलिंग होगा। गंगा जल अच्छा है, गंगा तो स्त्रीलिंग शब्द है परंतु दूसरे पद से निर्धारण होगा, ये पूरा शब्द आपका पुल्लिंग है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। मैं केवल यदि शब्द की बात करूंगा, जल की बात करूंगा, तो जल अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। मैं यदि केवल गंगा शब्द की बात करूंगा तो गंगा तो नदी है, तो नदी है तो अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, वो अलग बात हो जाएगी। परंतु शब्द ऐसे जोड़कर दे दिया जाए आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा मेरे लाडलो होनहारो, चलिएगा। लिंग का एक ही ब्रह्मास्त्र है, वापिस बोलना हूं, विचार मत करना, इस ब्रह्मास्त्र को अपनाना, उत्तर सही होगा, वाक्य बनाना है। अंतिम ध्वनि आ की आए तो पुल्लिंग करो, ई की आए तो स्त्रीलिंग करो, एक नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब बात करते इस वचन शब्द के अंदर, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे बहुत शानदार तरीके से। देखो अब वधु का बहुवचन क्या होगा, इस बात को याद रखना, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा कि वधुए होगा, वधुओ होगा, या वधुए या वधुए, कौन सा सही है? जल्दी से जवाब दे दो फटाफट। और आज हो सके उतना क्लास को शेयर करो, सबका भला हो जाए, सबके रिवीजन हो जाए, ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा आपको चार घंटे में वो सारे दिमाग में कॉन्सेप्ट थॉट विचार सब आपके फिक्स हो जाए। चलिएगा, हाँ बिल्कुल, आपको याद करना है, यहां पर सबका सिलेबस होगा, कोई सा भी लेवल हो, फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल हो, सभी का सिलेबस हो जाएगा पूरा। अभी तो 8:30 बज रही है आपको, मैं अभी 1-1.5 घंटे में हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है शानदार तरीके से। शब्दकोश भी करूंगा, पर्यायवाची भी इंपोर्टेंट बताऊंगा, विलोम शब्द वगैरह सब कुछ शानदार तरीके से करवा दूंगा। वधु का बहुवचन क्या होगा? देखो वधु शब्द है, पहली बात तो याद रखना शब्द की अंतिम मात्रा बड़ी ई या ऊ हो। मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, यदि शब्द की अंतिम मात्रा दीर्घ ई हो या दीर्घ ऊ हो, इससे आप यदि बहुवचन बना रहे, क्या बना रहे हो आप, यदि इससे बहुवचन बना रहे हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखें, ये दोनों मात्राएं छोटी हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। ये बहुत शानदार नियम है, याद रखना। वधु शब्द है, वधु से बहुवचन बनेगा वधुए। अब ये मात्रा चुपचाप कैसी करोगे? छोटी कर देना, अन्यथा मात्रा बड़ी वाला किया प्रश्न गलत होगा, दो दृष्टि से, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी और वचन की दृष्टि से भी। विकल्प आपका सही हो जाएगा 3 नंबर। किसी के मन में यह विचार भी आ रहा होगा कि वधुओं भी तो सही होती हैं, वधुओं को जाने दो, परंतु नहीं, पहले हम बिना कारक चिन्ह वालों को सही करेंगे। इसमें यदि यह विकल्प नहीं होता तो मैं दूसरा चुन लेता, ये आप परीक्षा में ध्यान रखें। ठीक है, चलिएगा आपका ये, हाँ बिल्कुल छोटी मात्रा हो जाएगी, आगे की ओर बढ़े। ये लीजिएगा, एक और प्रश्न आया है, श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा, क्या लिखा? श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा, इसकी अंतिम मात्रा देखो बड़ी है, इसको बहुवचन बनाओगे तो चुपचाप इसको छोटा करना पड़ेगा, श्रीमती से बन जाएगा श्रीमतिया, क्या बनेगा? श्रीमतिया। विकल्प आपका इंतजार कर रहा है, कौन सा? चौथा विकल्प। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प आपका इंतजार कर रहा है। चलो अब आपको ये याद रखना, सदैव एक ही वचन में प्रयुक्त होने वाला, सदैव एक ही वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हाँ यह परीक्षा में छपेगा, यहां से भी ध्यान रखना, जो सदैव एक ही वचन में प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो एक वचन होगा चाहे वो बहुवचन होगा, एक वचन या हम इधर कह सकते हैं बहुवचन, नित्य एक ही वचन में, नित्य बोल दो यहां पर या सदैव, एक ही बात है, नित्य एक ही वचन में। देखो पुलिस आ गई,
पुलिस से पुलिसों नहीं बनेगा, ये नित्य एक वचन है। पुलिस है, पानी है, वर्षा है, अग्नि है, दूध है, ये सारे के सारे नित्य एक वचन शब्द है। जनता है, जनता आ गई है, मैं पहले ही बता रहा हूं, जनता अपने आप में एक वचन है। याद रखना, गड़बड़ मत करना परीक्षा में, ये कोई समूह नहीं है, यहां पर एक वचन होगा। पुलिस में भी एक वचन है, जनता में भी एक वचन है, याद रखना। सेना, सेना अपने आप में एक वचन में। आप तो वाक्य बनाओ, मैं तो मस्त रहो। हाँ, इसका ब्रह्मास्त्र भूल गया। हाँ, इधर देखो, याद करो ब्रह्मास्त्र। देखो इसका ब्रह्मास्त्र कैसे याद करना, वचन कैसे याद करें, दिए गए शब्द के साथ वाक्य बनाइए, वाक्य बनाइए। दिए गए शब्द के साथ में वाक्य बनाना है, जैसा लिंग में किया वैसा ही अंतिम ध्वनि, अंतिम ध्वनि यदि अंतिम ध्वनि ई या आ की आए, अंतिम ध्वनि किसकी आए, ई या आ की आए, वचन एक वचन कर लेना परीक्षा में, कोई सा भी शब्द आया जाए। और यदि अंतिम जो ध्वनि है, अंतिम ध्वनि जो है वो यदि एक ही आए, तो चुपचाप फिर वचन कौन सा करोगे, बहुवचन करोगे। ये फॉर्मूला है, जल्दी से देख लो। दिए गए शब्द, कोई भी परीक्षा में चार विकल्पों में शब्द आएंगे, उसके साथ वाक्य बनाना है। दिए गए शब्द के साथ वाक्य बनाइए, अंतिम ध्वनि आ या ई की आए एक वचन करना, अंतिम ध्वनि यदि एक ही आए तो बहुवचन करना, ठीक है। हाँ, आंसू एक वचन होगा, बिल्कुल सही है, बहुवचन होते हैं, आंसू आ रहे हैं। अब बहुवचन में कौन कौन आता देखना, ये हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन होता, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, भाग्य, तेवर, बाल, ये सारे के सारे बहुवचन में आते हैं। तो यहां से आप पता कर लेना, बहुवचन मतलब हस्ताक्षर किए जाते हैं। पुलिस आ गई, पानी बहता है, वर्षा हो रही है, अग्नि, दूध, जनता, जनता आ गई, अंतिम ध्वनि किसकी आ रही है, जनता आ गई, ई की आ रही है। जब ई की ध्वनि आएगी तो याद रखना आपको वहां पर क्या करना है, एक वचन करना। वापिस बता रहा हूं, अंतिम ध्वनि ई की आए या आ की आए, चुपचाप एक वचन कर लेना। अंतिम ध्वनि ए की आए तो चुपचाप वचन कौन सा कर लोगे, बहुवचन। आंसू शब्द जो है आपका बहुवचन है, आंसू निकल रहे हैं, निकल रहा थोड़ी है, एक एक थोड़ी आएगा आंसू, धीरे धीरे एक आया, एक बाद में आएगा, ऐसे थोड़ी होता है क्या। आंसू आ रहे हैं या आंसू निकल रहे हैं, बहुवचन है, परीक्षा में ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा, अब अगला, ये आपके लिंग वचन काल भी हो गया, प्रश्न आएगा, देख लो आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण करवा दिया, क्रिया करवा दिया, अव्यय करवा दिया, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काल था वो भी करवा दिया। लिंग वचन के प्रश्न गलत मत करना, आपको ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ कौन सा शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द आपका बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो ये आपको अभी मैंने बताया था, उसको ध्यान रखना। चलिएगा, हाँ, अब आपके बड़े बड़े जो अध्याय हैं उन पे मैं बात करूंगा। देखो समास है, समास जो है थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुनोगे वही आपके काम आएगा। बहुत बड़ा अध्याय है, कुछ बातें बता रहा हूं, वहां से आपका समास का प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, हाँ, भाग्य में क्या होगा, रामलाल जी बोले भाग्य अपने आप में बहुवचन है, भाग्य खुल गए, ठीक है, तो याद रखना बहुवचन है भाग्य में। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन, यथाशीघ्र, आमरण, उपयुक्त सभी। तो अब आपको यह याद रखना कि किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, उपयुक्त सभी। अब अव्ययी भाव समास को सुन लो आराम से, अव्ययी भाव समास के वे समस्त उदाहरण होंगे जो अव्यय का भाव दे, किसका भाव दे, अव्यय का भाव दे, मतलब जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार कभी बदल नहीं सकते। जैसे प्रतिदिन लिखा है, मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूं, कब पढ़ाता हूं, प्रतिदिन, तो ये हो गया हर दिन, इसका समास विग्रह कर सकते हो, हर दिन आप क्या कर सकते हो,
हर दिन या प्रत्येक दिन, ये हो जाएगा आपका कौन सा अव्ययी भाव समास। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, आमरण मरण तक उपयुक्त तो सभी, तो ये आपके अविभाव समास के। अब अविभाव समास में और कौन कौन से उदाहरण आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जहां जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, शब्दों की पुनरावृत्ति, इस बात को इंपोर्टेंट कर लो आप, ये परीक्षा में छप सकता है। शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वहां पर भी आप समास कौन सा करोगे, अव्ययी भाव समास करोगे। कौन सा समास करोगे, अव्ययी भाव समास करोगे। बता देता हूं आपको, रातों रात क्या लिखा है, रातों रात समास विग्रह होगा रात ही रात में, रात ही रात में। रात ही रात में, फिर ऐसा कैसा उदाहरण हो जाएगा आपको, बातों बात, क्या हो जाएगा, बातों बात, ये उदाहरण बन जाएगा आपका बात ही बात में। क्या बनेगा, बात ही बात में, याद रखना। ऐसा कैसे, बहुत सारे उदाहरण है, कानों कान। अगला उदाहरण हो जाएगा हाथों हाथ, ये एक टाइप के उदाहरण बता दिए मैंने आपको, कोई सा भी आ सकता है। रातों रात, बातों बात, कानों कान, और भी है शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है देख लो आप। जैसे कि एक एक, ये भी आपके अविभाव समास का उदाहरण है, याद रखना ये अविभाव समास हो जाएगा। और बताऊं आपको, ज्यादातर उदाहरण आते हैं यथा और प्रति उपसर्ग से जुड़े हुए उदाहरण, परंतु याद रखना सदैव सभी उदाहरण प्रति उपसर्ग के अविभाव समास के नहीं होंगे, केवल वही उदाहरण होगा जो अव्यय का भाव देगा। किसका भाव देगा, जो अव्यय का भाव देगा। ये अविभाव समास के संबंधी उदाहरण थे। अगला देखिएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से एक ऐसा विकल्प ढूंढिएगा जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं। अब तत्पुरुष समास का याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में तो आपको परीक्षा में 100% उदाहरण तत्पुरुष समास से मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को याद रखना। मैं वापस बोल रहा हूं, यहां से 100% उदाहरण आएगा परीक्षा में, और जब तत्पुरुष समास से उदाहरण आता है तो एग्जामिनर जो आपका परीक्षक है वो विग्रह ही पूछेगा आपको। क्या पूछेगा, विग्रह, और आपको सही विग्रह पूछना, और जहां पर विभक्तियों का ध्यान रखोगे विग्रह सही हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त, मतलब हम कह सकते हैं स्वर्ग को प्राप्त, क्या विग्रह करोगे, स्वर्ग को प्राप्त, विग्रह ही है परीक्षा में महत्वपूर्ण। मेघाचन, मेघ से आचन, आचन का मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है, यहां पर आपकी से विभक्ति आ जाएगी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यहां पर आपकी विभक्ति आ जाएगी के लिए। और काली मिर्च, काली है जो मिर्च, क्या हो जाएगा, काली है जो मिर्च। तो यहां पर ये कोई तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यहां पर विशेषता बताने का कार्य किया जा रहा है। और चौथा विकल्प आपका जो होगा ये आपका कर्मधारय समास है, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। तो याद रखना तत्पुरुष समास में आपको विभक्ति ध्यान रखनी है, विभक्ति के अनुसार आप इसके उत्तर सही कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ द्वंद समास का उदाहरण है, इनमें से आपको द्वंद समास का उदाहरण ढूंढना है। राधा कृष्ण, तो विग्रह कर लोगे राधा और कृष्ण, ठीक है, ये आपका हो जाएगा द्वंद समास का उदाहरण। द्वंद समास क्या होता है सुन लो, द्वंद समास के तीन उपभेद होते हैं परीक्षा में ध्यान रखना। द्वंद समास का इतरेतर द्वंद समास, समाहार द्वंद समास और वैकल्पिक द्वंद समास। जहां पर और आएगा याद रखना, जहां पर और आएगा वो आपका इतरेतर द्वंद बनाएगा, इतरेतर, क्या बनाएगा, इतरेतर द्वंद। 25, अब 25 बहुत शानदार उदाहरण है परीक्षा में आ सकता है। 5 और 20, छोटी संख्या पहले लेनी है विग्रह में और बड़ी संख्या बाद में। 5 और 20 शीतोष्ण, ऐसा ही मैं पूछा था, द्वंद समास होता है, द्वंद ही आएगा और परीक्षा में भी पूछा था। ये हो जाएगा शीत या उष्ण, क्या बनेगा, शीत या उष्ण, गलती मत करना इसको कर्मधारय करने की। और आपका उपयुक्त सभी, चौथा विकल्प सही होगा। इसमें कौन सा है या लगता है, तो याद रखना वैकल्पिक द्वंद समास वैकल्पिक हो जाएगा, कौन सा होगा, वैकल्पिक। और जहां पर एक शब्द के साथ में दूसरा शब्द स्वतः ही आ जाए, जैसे कि बाल बच्चे समाहार द्वंद समास, बाल बच्चे
कपड़े लत्ते ये सारे वहां हो जाएंगे। और एक याद रखना, चाय वाय, जहां पर एक शब्द सार्थक हो एक शब्द निरर्थक हो तो वहां पर भी आपका द्वंद समास होगा। द्वंद समास में याद रखना, और द्वंद समास में ये संख्या वाले प्रश्न आए तो इनका ध्यान रखना, इसमें आप द्विगु समास न करें, ठीक है? चलेगा, बहुत शानदार, ठीक है? अगला प्रश्न, बहुवचन समास का उदाहरण नहीं है, आपको ध्यान रखना। बहुवचन समास में कौन आएगा तो ध्यान रखना, बहुव्रीहि समास में एक ही बात याद रखना, किसी तीसरे का विशेषण होंगे। ज्यादातर शब्द वो क्या करते हैं, किसी तीसरे का विशेषण होते हैं, ठीक है? याद रखना यहां पर, और विशेष अर्थ में होते हैं, विशेषण होंगे और किसी विशेष अर्थ में होंगे। सभी शब्दों का विशेष अर्थ मत लेना, मैं दो बातें बता रहा हूं, विशेषण होगा किसका, बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे का, और विशेष अर्थ होना चाहिए, वे आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते। जैसे अब परीक्षा में आ गया मंद बुद्धि, मैं बोलूंगा कि मोहन मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि का छात्र है मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि से विशेषता बताई जा रही है। जैसे मैंने एक शब्द बोल दिया मोहन निडर है, तो मोहन की मैं विशेषता बता रहा हूं, तो निडर जो शब्द है, मंद बुद्धि जो शब्द है, ये सारे के सारे आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। अब देखोगे चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हो। एक तो चक्र है, दूसरा पानी है, पानी का मतलब हाथ होता है, चक्र का मतलब हाथ। अब यहां पर चक्र और पानी दोनों अलग अलग शब्द है, परंतु ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे का क्या बन रहे हैं, विशेषण बन रहे हैं, तो बहुव्रीहि समास। नागपति, नाग है पति, यहां पर इंद्र के बारे में है, लंबोदर लंबा है, उदर सेनाध्यक्ष, ये नहीं होगा, सेनाध्यक्ष किसी तीसरे अर्थ का बोध नहीं करवाता है, ये होता है सेना का अध्यक्ष, ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, तो आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना बहुव्रीहि समास में इतना याद रख लो कि सभी जो भगवान हैं उनके पर्यायवाची या उनके नाम जो है वो आपको बहुव्रीहि समास में करने, और कोई विशेषण आ जाए किसी तीसरे का तो भी आप बहुव्रीहि समास कर सकते हो। और भी याद रखना, एक ही शब्द में दो समास हो सकते, तो परीक्षा में विकल्प जरूर देखना और फिर आराम से विवेक से उत्तर देना। समास अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है, आराम आराम से चारों विकल्पों को समास के पढ़ना कि कौन से समास का पूछ रहा है। कभी कभी याद रखना कि तत्पुरुष समास तो पढ़ लिया पर तत्पुरुष का भेद नहीं पढ़ा, अधिकरण है संबंध है, तो वो चीजें जरूर प्रश्न पढ़ना। और याद रखना प्रत्येक प्रश्न पे अंडरलाइन जरूर करना कि नहीं पूछ रहा है, एक संगत पूछ रहा है या असंगत पूछ रहा है, तो इसको याद रखना। आगे की ओर बढ़ते अगला देख लीजिएगा, किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है। अब आपकी परीक्षा में उपसर्ग से संबंधी एक प्रश्न आएगा, उपसर्ग नहीं है, प्रतिदिन, अध्यक्ष, अनार या आगमन। प्रतिदिन में उपसर्ग है कौन सा, प्रतिदन दिन, क्या बन जाएगा प्रतिदन दिन, अध्यक्ष का क्या बनेगा अधिदन अक्ष, क्या बन जाएगा अधिदन अक्ष, अनार। ये अपने आप में एक संज्ञा शब्द है, इसको तोड़ नहीं सकते हो, अ प्लस नार नहीं कर सकते हो। आत्मा में कौन सा वचन है, तृप्ति पंड्या, ये दीजिएगा आत्मा में, आत्मा तो एक होती है, अरे आत्मा निकल गई, क्या कहते हैं आत्मा निकल गई। मैंने क्या बोला, जहां पर अंत में ई की ध्वनि आए, एक वचन करो, ये लो आत्मा में एक वचन, एक वचन होगा, ठीक है? चलिएगा, ये आपका तीसरा विकल्प सही है, आगमन आधन गमन हो जाएगा, इसमें आपका आ उपसर्ग है, आधन गमन। अनार में उपसर्ग नहीं है, इसी प्रकार में अचार में अ उपसर्ग नहीं है, अचार अ उपसर्ग नहीं है, गलती मत करना परीक्षा में, दोनों शब्द परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है? और इसी प्रकार से याद रखना ये तीन शब्द, कुशल, कुलीन, कुल्टा, कु उपसर्ग नहीं होता इन तीनों में, याद रख लेना, कु उपसर्ग नहीं, कु उपसर्ग नहीं, इन तीनों में कु उपसर्ग नहीं होगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कई बार पूछा हुआ कुलीन में कुल प्लस इन, इन प्रत्यय होता है, याद रखना, ठीक है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में प्रत्यय नहीं है। अब आपके एक प्रत्यय का प्रश्न आएगा, प्रत्यय नहीं है, गोविंदा, आदित्य, मानव, सामाजिक। आदित्य में प्रश्न पूछे तो जवाब देना है, अदिति मूल शब्द है, दक्ष की मां को कहते हैं, अदिति धन य, मनु प्लस अ, मानव बनेगा, मानव के अंदर याद रखना अप्रत्यय मत कर लेना, अप्रत्यय नहीं होता इस मानव के अंदर, कौन सा होता है अप्रत्यय। सामाजिक, सामाजिक शब्द में देखोगे तो मूल शब्द होगा समाज,
प्रत्यय बन जाएगा आपका एक गोविंदा। अब इसमें इंदा प्रत्यय नहीं है, गोविंदा अपने आप में मूल रूप से एक शब्द है, इसके टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, इसका विभाजन नहीं हो सकता, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दीर्घ संधि नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपकी दीर्घ संधि नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सत्याग्रह, प्रेरणास्पद, स्वागत या स्वाध्याय, याद रखना सत्याग्रह का संधि विच्छेद करोगे सत्य धन आग्रह, समास हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। प्रेरणास्पद का संधि विच्छेद करोगे तो याद रखना प्रेरणा धन आस्पद होता है, अस्पद नहीं बनेगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। स्वागत यण संधि का उदाहरण है, सुधन आगत होगा, स्व प्लस आगत मत कर लेना। और स्वाध्याय ये बन जाएगा आपका स्व प्लस अध्याय, क्या बनेगा स्व प्लस अध्याय। तो तीसरा विकल्प सही आपका, ये आपका यण संधि का उदाहरण है, स्वागत कौन सी संधि है इसमें, यण संधि है, इस बात को याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष, अभी तो आपका शब्दकोश आने वाला बहुत शानदार, ये लीजिएगा रीट सेकंड लेवल के लिए एक छोटा सा अध्याय है कारक, अभी 5 मिनट में कारक समझा दूंगा, इसको देखिएगा फटाफट। कारक के प्रश्न देखो, राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अब देखो वैसे यहां पर आप विभक्ति चिन्ह देखोगे तो को है, को तो कर्म कारक की होती है, परंतु यहां पर देखो कंबल देता है, किसको देता है सेवक को देता है, किसको देता है सेवक को, जहां देने का वहां जहां देने का भाव हो ठीक है, वहां पर हम कौन सा करते हैं कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक, कौन सा होगा संप्रदान कारक। अगला देखिएगा, वृक्षों से पत्ते जड़ते हैं, जो वृक्ष हैं उनसे पत्ते क्या हो रहे जड़ते हैं, मतलब यहां से अलग होने का भाव बताया जा रहा, किसका भाव बताया जा रहा अलग। से विभक्ति दो जगह आती है, करण तत्व करण में भी आती है, और दूसरा कारक कौन सा है अपादान है, अपादान में याद रखना दूर होने का, पृथक होने का, अलग होने का भाव हो या कहीं डर या भय का भाव हो वहां अपादान करना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपादान, ठीक है ध्यान रखना। अगला प्रश्न, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द है, कुर्सी पर ये देखो पर विभक्ति है और कुर्सी पर ठीक है, मैं पर कहां आता है अधिकरण में, कुर्सी में कारक चिन्ह पूछा है आपको, जवाब दे सकते हो कौन सा, मैं पर किस में होता है अधिकरण में, डी विकल्प सही है। अगला, राम की गाय चढ़ती है वाक्य में कौन सा कारक, राम की गाय, का के की का आता है, का के की रा रे री, और नाने नहीं आ जाएगा संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है विकल्प आपका सही करोगे तीसरा। अगला देखिएगा, माँ बच्चे को दूध पिला रही थी वाक्य में कौन सा कारक है, माँ बच्चे को, यहां पर को कारक आ रहा, को कारक किसमें जाता है कर्म कारक में जाता है, माँ यहाँ पे कर्ता और बच्चा क्या है कर्म हो जाएगा, और याद रखना कारक चिन्ह से पहले तुरंत उसका कारक आता है, ध्यान रखना ठीक है, विभक्ति से तुरंत पहले उसका कारक आता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्म कारक, क्या हो जाएगा कर्म कारक। अगला देखिएगा, किसान ने भूमि पर हल चलाया, इस वाक्य में कर्ता एवं अधिकरण कर्मश है, कर्ता, अब देखो ने विभक्ति, विभक्ति से तुरंत पहले कारक आता है, तो ने से पहले किसान है तो ये तो कर्ता कारक हो गया, और ये रहा आपकी विभक्ति चिन्ह कौन, पर से तुरंत पहले क्या है कारक आएगा भूमि, तो किसान और भूमि ढूंढ लो, किसान भूमि, ये आपका विकल्प मिल जाएगा तीसरा, किसान व भूमि, बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। चलो अब आ गया है आपके सामने शब्दकोश, और परीक्षा में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब करेंगे हल, परंतु सबसे बड़ी बात याद रखना कि अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना कि शब्दकोश जो है जो सही करेगा परीक्षा में वो सिलेक्शन के बहुत पास होगा, शब्दकोश ही महत्वपूर्ण है। सब इंस्पेक्टर के अंदर भी यही बात थी कि शब्दकोश पूछा था बिल्कुल नया और बहुत ही डिफिकल्ट था, कठिन था, तो शब्दकोश को बहुत अच्छे से याद करना, सुनना है जल्दी से अच्छे से इसको, ठीक है चलेगा। हाँ, सुधन अध्याय नहीं हो सकता है, याद रखना अरे स्वाध्याय का क्या होता है स्व प्लस अध्याय, याद रखिएगा जो खुद का या स्वयं का अर्थ देता है वो यण संधि के उदार नहीं होते, स्वाध्याय स्वाभिमान स्वार्थ ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, स्वागत स्वस्ति और स्वच्छ और स्वल्प ये आपके यण संधि के उदाहरण हैं, ध्यान रखना। चलो
तो शब्दकोश के लिए रेडी हो जाओ, शब्दकोश का शानदार तरीके से। और शब्दकोश में सबसे पहले याद रखना, मैं उन्हीं पर्यायवाची को लेकर आया हूं जो परीक्षा में छप सकते हैं ऐसे के ऐसे पेपर के अंदर। तो अब हमें एक एक के पर्यायवाची को फटाफट देखना है, सुनना है, ताकि परीक्षा में आपको लेटेस्ट चीजें याद हो जाए। ठीक है, देखिएगा और सुनिएगा। कमेंट बॉक्स पर अब ध्यान मत दीजिएगा, लिखने का कार्य बंद कीजिएगा। अब आपके शब्दकोश से सुनोगे, समझोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है आपके सामने कि विष्णु के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। क्या पूछा जा सकता है? विष्णु के पर्यायवाची, तो याद रखना, दामोदर, जनार्दन, जन का मतलब जनता, अर्दन का मतलब पीड़ा, पीड़ा हरने वाला जनार्दन कहलाता है, चक्रपाणी नारायण, लक्ष्मीपति हरि, चतुर्भुज रमेश। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, ये हरि याद रखना, हरी मेंढक का भी होता है, हरी बंदर का भी होता है, हरी घोड़े का भी होता है, तो एक ही शब्द तीन का पर्यायवाची बन सकता है। तो ये आपके विष्णु के पर्यायवाची। महादेव की पर्यायवाची सुनिएगा, शिव, शंभु, त्रिनेत्र, पशुपति, नीलकंठ, चंद्रशेखर, हर, शंकर या मदन रिपु। मदन रिपु भगवान महादेव को कहा जाता है, मदन कहते हैं कामदेव को, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, कामदेव के शत्रु कौन है? महादेव हैं, याद रखना, परीक्षा में अलग से पूछा जा सकता है मदन रिपु, इस पे विशेष तौर पे गौर कीजिएगा। मदन रिपु महादेव का पर्यायवाची है। आंख के जानते ही हो, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृघ, अक्षी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। दिन का पर्यायवाची दिवस, वार, वासर, दिवा, अहन हो जाएगा। बाहु इंपोर्टेंट है, याद रखना, बाहु, पाणी, कर, हस्ती, भुजा, हस, भुजा, हस्ती जो है यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा परीक्षा में, हस्ती, हस्ती का पर्यायवाची याद रखना। हस्ती किसको कहते हैं? हाथी को कहते हैं, हस्तिन से बना है। ठीक है, चलिएगा। हाथी के देखोगे, कुंजर, गज, नाग, करी, गज, दीप, द्विरद, मातंग, अस्ति, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी मात्रा का दीर्घ हो जाएगी ये। ठीक है, ये आपके हाथी के हैं। अब बात करते अगले पर्यायवाची, देखिएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है पत्थर, परीक्षा में पूछा गया है हजारों बार, याद रखना, पत्थर में उपल, पाहन, प्रस्तर, पाषाण, अश्म, शिला, याद रखना, उपल पत्थर को कहते हैं, इसकी जगह यदि उत्पल आ जाए, क्या आ जाए? उत्पल, तो याद रखना, उत्पल का अर्थ होता है कमल। क्या अर्थ होता है? उत्पल का अर्थ होता है कमल, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आपकी परीक्षा मान सकते। फिर लिखा है अग्नि, पावक, आग, अनल, दहन, वहनी, कृषाणु, अरुण, हुतासन या ज्वाला, याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हुतासन व अरुण, ये दोनों आग के पर्यायवाची हैं, देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में आ जाएगा। अगला देखिएगा, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत शानदार, हाँ, एक विद्यार्थी बोल रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया, हाँ, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप परीक्षा से पहले एक बार देख लेना, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छा आइडिया बताया, एक बार इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, चलो इसका ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट एक तो पत्थर को करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते अग्नि में, आपको इन दोनों को याद रखना, अंडरलाइन कर रहा हूं, किरण, कर, रश्मि, अंशु, मरीचि, मयूख, प्रभा, ठीक है, कपड़ा, ये आ गया वापस सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो होनहारो फटाफट से। कपड़ा को कहते हैं अंबर, वस्त्र, दुकुल, परिधान, पट, चीर, वसन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। और सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा में ये केस के पर्यायवाची बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछ सकते हैं आपकी परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। बाल, कच, कुंतल, काकुल, अलक, रोम, शिरोरूह, चिकुर, मैचक, पश्म, परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि पश्म किसका पर्यायवाची है, अंडरलाइन कर रहा हूं, डिब्बे में बंद कर रहा हूं, ध्यान रखना, पश्म किसका है? बाल का है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब बात करेंगे
यहां पर आपको ध्यान देना है, अगला लिखा है केश में याद रखना, हमेशा परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर लिखा है आकाश, आकाश का देखोगे गगन, शून्य, अंबर, आसमान, नभव, व्योम, किनारा को कहते हैं तीर, कुल, कगार, तट। ये कगार शब्द का ध्यान रखना, कगार शब्द जो आपका है ये परीक्षा में सीधा सीधा बहुत बार पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार पर्यायवाची है, हो सकता है परीक्षा में आएगा। अगला देखिएगा आप, अगला पर्यायवाची देखोगे तो आपके सामने यहां पर पत्थर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, ये भी आपकी परीक्षा में आएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। पत्थर देखिएगा, उपल, पाहन, प्रस्तर, पाषाण, अश्म, जीवा। अश्म को ध्यान रखना, अश्व जो होता है वह घोड़े का पर्यायवाची होता है, अश्व यानी घोड़ा। क्या बन जाएगा? अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, इस बात को आप ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ में। और अगला पर्यायवाची है कमल, कमल भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कमल में हम बात करेंगे जलज, देखो ज का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना, द का अर्थ होता है देने वाला। जिन शब्दों के अंत में ज आए उससे पहले पानी का बोध करवाए वहां पर कमल का पर्यायवाची कर लेना। जल, जलज, नीरज, पंकज, राजीव, सरोज, सरसीज, अब्ज, अंज, कंज, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बॉक्स में बंद कर रहा हूं। अंज, कंज दोनों के दोनों आपके कमल के पर्यायवाची हैं। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। इंदिवर कमल का पर्यायवाची। उत्पल कमल है। वारिद कमल है। सतदल, पुंडरिक, ये भी कमल के पर्यायवाची। जल्दी से ध्यान रखना, अंज और कंज दोनों के दोनों किसके हैं? कमल के पर्यायवाची, याद रखना। शब्दकोश में नया शब्द आ सकता है, ऐसे ही पेपर में आए थे बादल के पर्यायवाची, तीनों के तीनों ऐसे थे, किसी भी किताब में अब तक नहीं थे वो, ठीक है। अगला देखिएगा बिजली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजली के पर्यायवाची परीक्षा में पूछे जा सकते, याद करके जाना। चपला, तड़ित, दामिनी, विद्युत, सौदामिनी, चंचला, क्षण प्रभा, और भी बहुत सारे होते हैं इसके, गण पल्लवी भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। जल का आप ऐसे जानते ही हो, पानी, अंबु, नीर, उदक, जीवन, तोई, वारी, सलील, आब, अंब, ठीक है। और चंद्रमा, ये चंद्रमा भी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, याद रखना। सुधाकर, सुधांशु, सुधाधर, इंदु, कलानाथ, चांद, निशाकर, रजनीचर, विदु। विदु इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लेना परीक्षा में, ठीक है। फिर देखो कि शशांक बहुत इंपोर्टेंट है, बताया था संधि में कई बार, शशि, सोम, विदु, हिमांशु, राकेश, राकापति, मयंक, इसको अंडरलाइन करो। मयंक, मयंक किसका पर्यायवाची है? तो याद रखना चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और परीक्षा में इनको ध्यान रखना। अब ये लास्ट टाइम में आपको शब्दकोश ही बेड़ा पार करवाएगा, याद रखना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको याद है, शब्दकोश में याद रह गया एक दिन में तो आप सही कर दोगे पर्यायवाची। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला देखिएगा, अगला पर्यायवाची किसका है? अर्जुन का है, इंपोर्टेंट है, याद करके जाना परीक्षा में। धनंजय, पार्थ, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश क्यों कहते हैं? जो नींद का स्वामी होता उसे गुड़ाकेश कहते हैं, ठीक है, चलेगा। कौनते, गांडीवधारी, सव्यसाची, ये सारे के सारे किसके हैं? अर्जुन के हैं, याद रखना। समुद्र के भी कई बार पूछे हुए, अम्बुदी, वारिस, रत्नाकर, उदधी, जलधी, सागर, पारावार, ये पारावर है, नदीश, अर्णव या वारिदी, ठीक है। फिर बाण के, तीर, विशिक, सिलिमुख, सर, सायक, अनि, ये आपको परीक्षा में जरूर कंफ्यूज करेगा धनुष के साथ में, तो आप इसको अलग से देख देख कर जाना, आंखें खोल कर जाना। बाण के पर्यायवाची में और दूसरा कौन सा है? धनुष के पर्यायवाची में, दोनों में विद्यार्थी बहुत इधर उधर कर लेता है, ध्यान रखना। पुरस्कार में कौन सा उपसर्ग है? पुरुष उपसर्ग है, ध्यान रखना, प्रिंस कुमावत। स हलंत होगा, दंतीय स होगा। धनुष में देखोगे, धनुष के पर्यायवाची में चाप, कोदंड, सरासन, कमान, पिनाक, सारंग, धनु, कारमुक, ये किसके हैं? धनुष के हैं। इन दोनों को आप याद रखना, एक साथ याद करना, दोनों इंपोर्टेंट है परीक्षा में। जब जब परीक्षा में इनके पर्यायवाची पूछे गए तब तक विकल्पों में दोनों देकर कंफ्यूज किया गया है, तो दोनों को याद करके जाना, इंपोर्टेंट। और सबसे खतरनाक सांप, ये तो है ही, वैसे बहुत खतरनाक होता है, और इसके भी परीक्षा में इंपोर्टेंट आते। व्याल,
उरग पनग भुजंग विषधर अहि नाग सरीसृप सर्प व फणी, ये सभी के सभी नाग के पर्यायवाची है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये इंपोर्टेंट, ये पेज आपके बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें जितने पर्यायवाची लिखे वो सारे के सारे परीक्षा में आने जैसे है। आगे की ओर बात करूंगा, अगला पर्यायवाची देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट साथ में। मेंढक दादुर मंडुक हरी बेक शालूर वृषाबू दरदूर, एक ही बात है, दादुर भी आ जाएगा तो भी सही है, दरदूर भी आएगा तो भी सही है। मेंढक के पर्यायवाची परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, याद कर लेना एक बार, सरसरी निगाहों से देख लेना, ठीक है। चलिएगा अगला देखोगे, दांत बहुत इंपोर्टेंट है, दंत रद रदन द्विज मुखकुर दसन। ये द्विज जो है ये आपके देखो ब्राह्मण का भी होता है और किसका होता है, दांत का। तो एक पर्यायवाची दो के हो सकते, याद रखना, परीक्षा में पूछा गया दांत कई बार, ठीक है। गंगा बहुत इंपोर्टेंट है, गंगा के पर्यायवाची याद करके जाना, ठीक है। जाह्नवी त्रिपदगा देवनदी भागीरथी मंदाकिनी सुरसरी, या हम कह सकते जहनू तनिया, क्या कह सकते जहनू तनिया, ठीक है। चलिएगा नदी के पर्यायवाची गंगा के पर्यायवाची के साथ पूछेगा परीक्षा वाला, आपको इधर उधर करेगा तो याद करके जाना। सरिता तटिनी शैलजा तरंगिणी निम्नगा वाहिनी, ठीक है। ब्रह्मा, अब याद कर लो, आज ही मैं कह रहा हूं ब्रह्मा के पर्यायवाची आपके खोपड़ी में होने चाहिए, अभी से फटाफट ब्रह्मा के पर्यायवाची याद कर लेना। प्रजापति विरंची, सीधा सीधा पूछेगा विरंची किसका पर्यायवाची है, तो याद करके जाना विरंची ब्रह्मा का पर्यायवाची है। विधि अज लोकेश स्वयंभू पितामह आत्मभू विधाता, ये याद कर लो आप, तो प्रजापति और विरंची किसके होते हैं, ब्रह्मा के होते हैं, ये पूछेगा ही पूछेगा जरूर, ठीक है। चलेगा अगला देखिएगा, चतुरानन करतार कलासन नाभिजन्म हिरण्यगर्भ या सृष्टा, ठीक है, ये सारे ब्रह्मा के हैं। तलवार के भी पर्यायवाची परीक्षा में पूछते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है, इसको याद करके जाना। असी कृपाण करवाल खड़ग चंद्रहास, ये पूछा जाता है कई बार, असी किसका पर्यायवाची है, तो याद रखना असी तलवार का पर्यायवाची। बड़े हम आगे की ओर चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में। मोर, क्या लिखा है मोर, मोर के पर्यायवाची देखोगे केकी कलापी नीलकंठ शिखावल सारंग ध्वजी शिखी मयूर नर्तक प्रिय, नर्तक प्रिय एक ही बात है इंपोर्टेंट। भोरा, इस भोरे को इंपोर्टेंट कर लेना, ब्रह्मर मधुकर मधुप मिलिंद अली अलिंद ब्रिंग द्विरेप या सटपद, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है दास, इसको आप इंपोर्टेंट करो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये आपका दास। किंकर वृत्तीय चाकर अनुचर परिचर सेवक सेवादार या परिचारक, ये सारे के सारे किसके हैं, याद रखना दास के। अगला आप देखोगे जंगल, क्या है जंगल के पर्यायवाची है, जल्दी से इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला देखिएगा, जंगल के पर्यायवाची आप जरूर याद करना, जंगल के जो पर्यायवाची है विपिन कानन वन अरण्य गहन कांतार अटवी या दाव, ये याद रख लेना। कानन और विपिन ये कई बार पूछा हुआ, अरण्य किसके हैं, जंगल के हैं, जंगल के साथ में आपको ध्यान रखना, वृक्ष के पर्यायवाची जरूर देगा। फिर आप देखोगे जहर, जहर में देखोगे हलाहल गरल कालगुट माहूर या विष। सेना के पर्यायवाची परीक्षा में पूछे हुए, सेना के पर्यायवाची में परीक्षा में एक चमू आया हुआ है, कटक अनि दल वाहिनी सैनी फौज या अनि किनी, सेना के भी पर्यायवाची इंपोर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से एक बार फटाफट। हाँ अब आपकी परीक्षा में एक नया अध्याय जुड़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूं कैसे याद करना, हो सकता है परीक्षा में देखो
जब इच्छा से संबंधी कोई वाक्यांश आएगा तो सामान्य जिसमें इच्छा हो तो उसमें अंत में इच्छा जहां जहां बताई जाएगी शब्द के साथ में आ की मात्रा जुड़ेगी, और इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंत में आपको उ की मात्रा जोड़नी है। उदाहरण से समझना, देखिएगा, देखो जीवन जीने की इच्छा, जब जीवन जीने की जो इच्छा जो है, जीवन जीने की जो इच्छा है तो उसमें आप देखोगे अंत में आ आएगा, जिजीविषा, क्या आ जाएगा, आ जिजीविषा। और उसकी इच्छा रखने वाला यदि कोई व्यक्ति है, क्या रखा, जीवन जीने की इच्छा रखने वाला यदि व्यक्ति विशेष है तो उसके अंत में सु आएगा, क्या आ जाएगा, उसके अंत में सु आएगा और वह शब्द होगा जिजीविषु, क्या होगा, जिजीविषु। आप आगे देखोगे जीवन जीने की इच्छा की गई हो तो उसे कहते हैं जिजीविषित, और इसी प्रकार से जीवन जीने की इच्छा के जो योग्य हो उसे कहते हैं जिजीविष्य। मैं आपको वापस बता रहा हूं, पहला और दूसरा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बढ़ते हैं, तीसरे चौथे पे आप व्यर्थ में ध्यान न दे या नहीं आएंगे। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, देखो इच्छा आया तो अंत में जरूर आ आएगा, ज्ञान पिपासा। फिर देखोगे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, यहां पर रखने वाला आया मतलब पीछे ऊ आएगा, ज्ञान पिपासु। याद रखना, इच्छा है तो आ आएगा, रखने वाला है तो पीछे ऊ आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, चलेगा। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, जीतने की इच्छा, बहुत शानदार वाक्यांश के लिए प्रश्न है, पूछे जा सकते। जीतने की इच्छा आ रहा है, पीछे आएगा जिगीषा। जीतने की इच्छा रखने वाला आ रहा मतलब ऊ आएगा, जिगीषु। तैरने की इच्छा, इच्छा आ रहा है अंत में आ आएगा ही आएगा, तितिर्षा। तैरने की इच्छा रखने वाला आया है इसका मतलब पीछे ऊ आएगा, तितिर्षु कहलाएगा। भोजन करने की इच्छा, देखो इच्छा आ रहा है, इच्छा आ रहा है तो जिगित्सा या बुभुक्षा। भोजन करने की इच्छा रखने वाला, वाला आया मतलब अंत में वो आएगा ही आएगा, बुभुक्ष, बुभुक्षु या जिगित्सु, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही है। अगला देखिएगा मोक्ष, अगला देखोगे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ये देखोगे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो आ आएगा मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वो आएगा मुमुक्षु कहलाएगा। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, कार्य करने की इच्छा रखने वाला आया चिकित्सु कहलाएगा, वो आ जाएगा पीछे। युद्ध करने की इच्छा, इच्छा है अंत में आ आएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में, इच्छा है तो अंत में आ आएगा। यदि इच्छा रखने वाला व्यक्ति है तो अंत में ऊ आएगा, क्या आएगा, ऊ, तो रखने वाला ये रहा, पीछे आ जाएगा ऊ, युयुत्सु, क्या कहलाएगा, युयुत्सु। ये जो है होनहारो, इंपोर्टेंट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो फटाफट, ठीक है, चलिएगा। हाँ, पटवारी के लिए भी शब्दकोश इंपोर्टेंट है, रीट वालों के लिए भी है, परंतु आज विशेष रीट वालों के लिए क्लास लगी है, और हो सकता है एक महा मैराथन कल वीडियो का एक धमाका और हो जाएगा। किसी को मारने की इच्छा, इच्छा है मतलब अंत में आ आएगा जिगांसा। फिर देखोगे किसी को मारने की इच्छा रखने वाला मतलब जिगांसु, ठीक है, और पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखना मतलब पुत्रेषणा, और पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला पुत्रेच्छु, क्या कहलाएगा, पुत्रेच्छु। इस प्रकार से कर सकते हो, ये याद रखना। अग्नि संबंधी वाक्यांश, अग्नि से संबंधी वाक्यांश परीक्षा में कई बार पूछे, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में। अग्नि संबंधी क्या कहलाएगा, आग्नेय कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी, दावा नल या दावा अग्नि, क्या कहलाएगी, दावा नल या दावा अग्नि। पेट में लगने वाली आग, याद रखना दाव कहते हैं जंगल को, पेट में लगने, जठर, जठर मतलब होता है पेट, पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती, जठरानल या जठराग्नि, याद रखना पेट से जठरानल या जठराग्नि। फिर समुद्र में लगने वाली आग, बड़वा नल या बड़वा अग्नि। फिर हवन से संबंधी क्या कहलाता है, हवी कहलाता है। स्क्रीन शॉट लो, आगे बढ़े। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिशा संबंधी, ये परीक्षा में आता है, कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है, सभी दिशाओं से संबंधी याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। दिशा संबंधी वाक्यांश देखोगे आप, उत्तर और पूर्व, क्या लिखा है, उत्तर और पूर्व, ये उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा क्या कहलाती है, ईशान कहलाती है। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ईशान कहलाती है, पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा जो है वो आपके आग्नेय कहलाती है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये पूछा गया है कई बार,
और पूछ सकता है, और गलत मत करना, पढ़ा हुआ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप इसका एक बार मैप भी बना सकते हैं, ध्यान रखना। उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा वायव्य कहलाती है, पश्चिम और दक्षिण के मध्य की दिशा नैऋत्य कहलाती, इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आज तो AK-47 ही चलेगी, समय बहुत कम है, और आज मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आपकी रिवाइज हो जाए बहुत शानदार तरीके से, और कुछ मैटर आपको इसमें से मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्द, ठीक है। चलिएगा एक और आपके ये शब्दकोश में है, इसको देख लेते बहुत शानदार तरीके से। तत्सम आएंगे, तद्भव भी आएगा, देशज भी आ सकते हैं, विदेशज शब्द भी आ सकते हैं, ठीक है। एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उदाहरण वही लाया हूं जो इंपॉर्टेंट है, समय आपका व्यर्थ ना हो। देखो आप एक ही ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान क्या है। देखोगे आप तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान, तो दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। आप अपने दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हो, घर के अंदर जिन शब्दों का प्राय प्रयोग करते हो, वे तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। और जिनमें दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं किए जाते, वे आपके तत्सम शब्द, और जिन शब्दों का आप प्रयोग नहीं करते हो, वे आपके तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। दूसरा ध्यान, जो बोलने व पढ़ने व लिखने में कठिन प्रतीत हो, वे तत्सम कहलाते हैं। थोड़े से उच्चारण में कठिन हो, जिनका उच्चारण कठिनता से हो, या देखने में कठिन से प्रतीत हो, वे आपके तत्सम। दूसरा याद रखना, जहां पर जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होगा, वे सदैव तद्भव होंगे, क्योंकि संस्कृत में नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है संस्कृत भाषा में, तो जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होता है वे तद्भव होते हैं, और ज्यादातर अनुस्वार वाले तत्सम होंगे, और जहां पर चंद्र बिंदु है वे आपके तद्भव होंगे। तो शुरू करते हैं तत्सम तद्भवों का खेल। अब देखिएगा एक एक शब्द को लेंगे और फटाफट से ध्यान रखना, और सारे के सारे आपको आता। अग्नि का तत्सम, अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग। अक्षी का तद्भव आंख हो जाएगा, अक्षय का तद्भव आखा हो जाएगा, अग्र का तद्भव आगे होगा, और अध्य का तद्भव आज। ये अध्य आप इंपोर्टेंट करके जाना, और अंध का तद्भव क्या होगा? अंधेरा, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे की ओर, अंधकार का तद्भव क्या होगा? अंधेरा। ये देखो यहां पर अनुस्वार है, क्या है? अनुस्वार है, तो प्रायः अनुस्वार वाले तत्सम होते हैं, और जहां पर चंद्रबिंदु होता है वे आपके तद्भव हो जाएंगे, ध्यान रखना। अन का मतलब तद्भव क्या होगा? अनाज। अमावस्या, अमावस्या का क्या होगा? अमावस। आप लोग भी तो यही बोलते कि आज अमावस है, ऐसा तो नहीं बोलते आज अमावस्या है, थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। फिर देखोगे अनार्य, आपके तो अनाड़ी। अमृत, अमृत का अमी या अमीय। अम्लिका को कहते हैं इमली, आप थोड़ी कहते मैं अम्लिका खा रहा हूं, आप कहते हैं मैं इमली खा रहा हूं। तो दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वे तद्भव कहलाएंगे, और जिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हो वे आपके तत्सम कहलाएंगे। आगे की इसको इंपोर्टेंट करो, इस अम्लिका को इंपोर्टेंट करो। फिर अगला देखोगे आप तत्सम इक्षु, इक्षु को कहते हैं ईक। ईर्ष्या, ईर्ष्या तद्भव हो जाएगा। आलस्य, आलस तद्भव है। आर्मचूर्ण, अमचूर, ये आपके इंपोर्टेंट है, याद रखना। आश्रय, आसरा। इष्टिका, ईंट, इसको इंपोर्टेंट करो, ये आपके परीक्षा में अंत। आप ऐसे तो कहते हो ईंट है, या ईंट लेने गया था, ईंट से मकान बन रहा है, ऐसा तो नहीं कहते हो इष्टिका से मकान बन रहा है। तो ये तद्भव शब्द होगा, दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हो, ठीक है। चलिएगा ऊपरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऊपरी शब्द जो है तत्सम होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान सुन लो, आपने दीर्घ, आपने स्वर संधि
विसर्ग संधि व्यंजन संधि जो पड़ी है उसमें जितने भी शब्द आपके आंखों के सामने हैं आपको पता चल जाए कि इसमें कोई न कोई तो संधि है, वे सारे शब्द तत्सम होते हैं। तत्सम संधि शब्द तत्सम सभी, ठीक है। जिन शब्दों में आपको पता चले कि इसमें संधि है, जैसे कि मैं बात करूंगा कविंद्र, कवि आपके आ रहा है तो ये संधि का उदाहरण आ जाता है, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इसमें एला इलायची इंपोर्टेंट है, ओस्ट हॉट या आप ओट कर सकते हो, कटु का मतलब होता है कड़वा, ये कटु आपके संधि में आता है, याद रखना कटु प्लस उक्ति कटुक्ति संधि बन जाएगी दीर्घ, याद रखना। अंगुष्ट अंगूठा तद्भव, कर्म का तद्भव क्या बनेगा काम, याद रखना। अगला देखिएगा अंगुली का तद्भव बनेगा अंगूरी, कर्पट का तद्भव क्या बनेगा कपड़ा, इंपोर्टेंट है इसको याद करके जाना, पूछ सकता है कर्पट से कपड़ा। कदली कदली से केला, इंपोर्टेंट है। कर्पूर कर्पूर से बनेगा तद्भव कपूर, इंपोर्टेंट है। कर्ण कर्ण से बनेगा कान, कपोत कपोत से बनेगा कबूतर, इंपोर्टेंट। आप ऐसे थोड़ी करते हो कबो कपोत आ गए, आप कहते हो कबूतर आ गए, याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इनका जल्दी से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ोगे अगला आप देखोगे कुंभकार मतलब कुम्हार, कुष्ठ कौड कोकिल, इंपोर्टेंट इसको याद कर जाना, कोयल को कहते हैं। कृष्ण किशन या काना दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। गर्त गर्त कहते हैं गड्ढा को, कपाट कपाट कहते हैं किवाड़ को, इसको आप याद करके जाना, कपाट का तद्भव क्या बनेगा किवाड़। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। कपड़दिका का तद्भव कोड़ी बनता है, कज्जल कज्जल का काजल, इंपोर्टेंट है इसको याद करना। कटक कटक यानी काटा, इंपोर्टेंट है। कर्त यानी कैंची को कहते हैं, इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में। काष्ठ को कहते हैं काठ, काक यानी कागा या कोवा, ये भी आपका इंपोर्टेंट है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ आप लोग चाय पिलाने के लिए बुला रहे हो परंतु आज चाय नहीं पियेंगे, चाय तब पियेंगे जब आपका पेपर बहुत शानदार हो जाएगा, खुशी होगी कि जो पढ़ाया है आपने पढ़ा है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बढ़िया हौसला रखना, आराम से हिंदी के प्रश्नों को या किसी भी प्रश्न को हल करे, दो बार पढ़ना है, आसानी से जवाब देना है, ठीक है। चलिएगा हाँ संस्कृत वाले शब्द तत्सम होते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला देखोगे आप कांचन का हो जाएगा कंचन, किरण का किरण, ये थोड़ा सा याद रखना। कुक्कुर यानी कुत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुक्षी कहते हैं कोख को, ये भी आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। कुपुत्र कपोत, कंदूक गेंद कहते हैं, ठीक है याद रखना, ठीक है। चलेगा कोण का तद्भव क्या होगा कोना, कृषक का तद्भव क्या होगा किसान, गर्दभ का क्या होगा गदा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि क्या होता है गांठ, ये भी आपके इंपोर्टेंट है। गंभीर क्या होता है गहरा, गर्मी को कहते हैं दाम को, ठीक है। जहां जहां राइट किया वहां वहां इंपोर्टेंट है, याद रखना, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में। गिना किसे कहते हैं गिन को, चर्म किसे कहते हैं चाम को, चक्रवाक चकवा, इंपोर्टेंट है ये याद कर लेना। चंद्र चांद, चतुष्कोण चौकोर, चक्र को कहते हैं चाक, ठीक है। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। पूछ पूंछ, पुष्कर पोखर, याद करना संधि में आता है विसर्ग संधि में, ठीक है याद रखना। नारिकेल नारियल, इंपोर्टेंट है। नापित नाई, निम्ब निम्ब, निम्बुक नींबू या नींबू, ध्यान रखना ये ज्यादातर शुद्ध है नींबू। अगला प्रश्न देखिएगा भाद्रपद बादो, बर्मर बोरा, इंपोर्टेंट है याद करके जाना। बात्री कहते हैं भाई को, मकर मगर, मशक मच्छर, मत्स्य मछली, ये सारे के सारे क्या है इंपोर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देख लेना याद हो जाएगा। देखो शब्दकोश में तो यही ध्यान रखना कि आपको एक बार आपके सामने से वो गुजरा हो बस, फिर आप उसका सही कर लोगे, ठीक है। चलिएगा हाँ आज आपके नेट खत्म भी हो गया हो तो छोटा मोटा 10-5 रुपए का जो नेट होता है 1GB 2GB कर लेना है ताकि हमारा पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलेगा मयूर तत्सम का तत्व बनेगा मोर, इंपोर्टेंट है याद रखना इसको। मोर मयूर, मयूर तत्सम है, मोर जो है वो तद्भव है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलेगा मध्य मद, मरकटी मकड़ी, इंपोर्टेंट है याद रखना।
मास महीना मातुल इंपोर्टेंट है तत्समय मातुल मामा मित्र को कहते हैं मित याद रखना। अगला प्रश्न आपके समक्ष यंत्र मंत्र को कहते हैं जंतर मंतर यह जो है वो ज में परिवर्तन हो जाता है तद्भव में जाके यह जो है ज में परिवर्तन होगा याद रखना। यशोदा का तद्भव क्या बनेगा जशोदा यद्यपि का तद्भव क्या बनेगा यद्यपि यश का तद्भव क्या बनेगा जस युवा का तद्भव क्या बनेगा जवान यमुना का जमुना यह जो है वो ज में परिवर्तन होता तद्भव बन जाता है इंपोर्टेंट है याद रखना। यह यशोदा और यमुना इन दोनों को याद रखना स्क्रीनशॉट ले लो होनहारो। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं वापिस बता रहा हूं यह तत्सम है ज तद्भव बनाता है यजमान से जजमान यज्ञोपवीत जनेऊ बन जाएगा यूथ का तद्भव चत्था योगी का तद्भव जोगी रज्जू का तद्भव रश्मि और रक्षा का राखी। रक्षा का राखी याद कर लेना याद रखना इंपोर्टेंट है रक्षा का तद्भव राखी होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष श्रीगाल श्रीगाल का तद्भव क्या होगा सियार सोडस का क्या बन जाएगा सोलह सप्तशती का क्या बनेगा सतसई सर सर्प ये सरसो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप याद करके जाना। और सर्प का मतलब होता है सांप दोनों में अंतर ध्यान रखना ऐसा नहीं सांप सांप करके आ जाऊंगा परीक्षा में इन दोनों का ध्यान रखना विशेष तौर पे ठीक है। और सब पत्नी को कहते हैं साउथ सौतन को कहते हैं ठीक है। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं हस्तिनी हस्तिनी का तद्भव क्या होगा हतिनी क्या होता है हतिनी और कहीं कहीं आप देखोगे हतनी दिया गया है क्या दिया गया है हतनी भी दिया गया है आरपीएससी ने एक बार हतनी ही माना था ठीक है परंतु वास्तव में हतिनी होता है आरपीएससी ने हतिनी माना था ठीक है। चलिएगा हरिद्रस्य क्या बनेगा हल्दी याद रखना हरिद्रा में हरी में मात्रा छोटी आएगी इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखना विशेष तौर पर। हंडी का हांडी हास्य का हसी हीरक हीरक जयंती हीरा इंपोर्टेंट ये होली का होली इसमें हरिद्रा को याद करके जाना हरिद्रा किसका तद्भव हो जाएगा हरिद्रा तत्सम है हल्दी आपका तद्भव है याद रखना। चलिएगा हाँ अब आगे देशज शब्द चलिएगा कुछ देशज शब्द आएंगे आपको परीक्षा में परेशान करेंगे ये शब्द अगर आए हैं तो कोई बात नहीं कुछ शब्द है बताता हूं देशज शब्द क्या होते हैं देखिएगा हाँ हतनी ही शुद्ध है बिल्कुल हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना ये यहां पर परीक्षा में देखो हस्तिनी ये नहीं आएगा दोनों आ सकते हैं आरपीसी किताबों में दोनों है परंतु एनसीईआरटी ने हतिनी ही माना था ठीक है याद रखना आपको भी ठीक है। चलिएगा देशज शब्द कौन से कहलाते हैं देखिएगा देशज शब्द वह कहलाते हैं जो क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं मतलब वो उनका कोई व्याकरण नहीं होता उनका कोई शब्दकोश नहीं होता आपके आवश्यकता के अनुसार आपने जिन शब्दों की रचना की है वो आपके क्षेत्रीय भाषा में कहलाएंगे देशज कहलाते हैं। आप मान लो कि बर्तन होते हैं कुछ लोग कह देते हैं घर में बर्तन नहीं क्योंकि उनको कहते हैं ठीकड़ा मत पटक तो मतलब अब ठीकड़ा शब्द जो है ये कोई पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिलों में नहीं बोला जाता ये क्षेत्र विशेष में बोला जाता तो ठीकड़ा मतलब अपने आप में तद्भवी हो गया ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे कुछ शब्द हैं जिनको मैं बता रहा हूं उनका आप ध्यान रखना उनकी परिभाषा के साथ में क्षेत्र विशेष में प्रचलित वे शब्द जिनका संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध नहीं हो देशज शब्द कहलाते जिनका हिंदी या संस्कृत भाषा से कोई संबंध नहीं हो वे आपके देशज शब्द कहलाते हैं। चलिएगा देशज शब्द दूसरी किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते देश शब्द आपकी आवश्यकता के अनुसार आपने उन शब्दों को गढ़ लिया है वो आपके लिए देशज शब्द बन जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से हैं अब आगे की ओर बढ़ो देखो ऊटपटांग आपने कहते बैठ जा ऊटपटांग हरकते मत कर ये देशज शब्द है। अंगोछा देशज शब्द खचा खच आज रीट का जो मेला है बसों में खचा खच भीड़ भरी हुई कैसी भीड़ खचा खच जरूरी नहीं खचा खच शब्द हर क्षेत्र में प्रचलित हो ठीक है। खटपट खराटा खिड़की इसको गोला कर रहा हूं मतलब ये इंपोर्टेंट है दुविधा में डाल सकता खिड़की आपका तद्भव देशज शब्द है। खुरपा चिमटा चुटकी खटपट बुद्धू लपलपाना ठीक है याद रखना ये सारे के सारे आपके देशज शब्द हैं ठीक है। वैसे व्याकरण के 15 प्रश्न आएंगे बहुत बड़ा सिलेबस है वो ऐसे ऊटपटांग आपको नहीं पूछ के परेशान नहीं करेंगे ठीक है। चलेगा
हाँ, एक विद्यार्थी पूछ रहा है रहित सहित का अर्थ। देखो रहित मतलब बिना, रहित का अर्थ होता है बिना और सहित का अर्थ होता है साथ। ठीक है, अब आ गया विदेशज शब्द। याद रखना परीक्षा में घबराना मत, विदेशज शब्द का मतलब यही है कि जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। अब आपकी परीक्षा में याद रखना, यहां ऐसे परेशान मत होना कि आपको परीक्षा में यह कभी नहीं पूछेगा कि अरबी का है या फारसी का है, सीधा सा पूछेगा कि कौन सी भाषा का शब्द है विदेशज शब्द। अरबी फारसी में दिमाग मत लगाना कि मैं अरबी फारसी की याद कर लूंगा, अरबी फारसी की याद नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा शब्दकोश है यहां पर। ठीक है, परंतु याद रखना, ठीक है, यहां पर मैं केवल अलग से लिखवा रहा हूं अरबी भाषा के शब्द। याद रखना अक्ल, अजीब, अदालत, इसको अंडरलाइन कर लेना, अदालत को, आजाद, आदमी, इज्जत, इलाज, इंतजार, इनाम, ये अरबी के शब्द है। इस्तीफा अरबी भाषा का शब्द है, औलाद अरबी भाषा का शब्द है, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब अरबी भाषा का शब्द है, किस्मत, कबीला अरबी भाषा का शब्द है। जिनको मैं गोलाकार बना रहा हूं इंपोर्टेंट है, कीमत, गरीब, गरीब आपका कौन सा शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, जनाब, जलसा अरबी भाषा का शब्द है, जवाब, जुर्माना, जिला अरबी भाषा का, तहसील भी अरबी भाषा का शब्द है, बहुत इंपोर्टेंट शब्द है दोनों, ताकत अरबी भाषा का शब्द है, तारीख, तूफान, तराजू, तमाशा, दुनिया, दफ्तर, दौलत अरबी भाषा का शब्द है, इंपोर्टेंट है, नतीजा, नशा, नकद, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, वकील, बहुत इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को आप गोट कर खा जाइएगा अच्छे से कि वकील कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद करना अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, याद कीजिएगा। ठीक है, और साथ में लाइक का बटन भी प्रेस करते रहिएगा। चलिएगा, शादी, सुबह, हलवाई, हिम्मत, हिम्मत भी अरबी भाषा का शब्द है, इंपोर्टेंट है, हिसाब, हुक्म। अब ये अरबी भाषा के हैं, इनको आप अरबी भाषा के शब्दों की तरह याद कर लो। आपकी परीक्षा में मैं बता रहा हूं अरबी और फारसी ऐसे प्रश्न नहीं बनाएगा, वापिस ध्यान से सुनना, परंतु आपको इतना पता होना चाहिए कि ये विदेशी भाषा के शब्द है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां जहां पर आपको गोलाकार आकृति मिल रही है वो आपके इंपोर्टेंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से हाँ, रिक्शा जापानी शब्द है, अभी सारे शब्द ला रहा हूं, घबराना नहीं, एक भी शब्द बाकी नहीं रहेगा। हाँ, पीटीटी में पूछा गया है, ऐसे तो बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परंतु अब थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये लो आपके समक्ष अब प्रश्न आए फारसी भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के शब्द है? फारसी भाषा के शब्द है, देखिएगा, अखबार फारसी भाषा के शब्द है, इंपोर्टेंट है, अमरूद, आराम, ये देखिए, ऐसा नहीं कि इसमें आ उपसर्ग कर दो और आप लोग इसको तत्सम शब्द कर दो, फारसी भाषा का शब्द है, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, आमदनी शब्द आपके फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा, कमर, कारीगर, कमीना फारसी भाषा का शब्द है, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, खून याद करना, रक्त, रक्त और खून दोनों अलग अलग शब्द है। खून जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, जो रक्त शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द नहीं है, याद करना, रक्त शब्द अरबी फारसी भाषा का शब्द नहीं है, इस बात को याद रखना। खुश्क, गवाह, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, जेब, जगह, और ये इंपॉर्टेंट याद करना, जमीन, जमीन आपके फारसी भाषा का शब्द है, जलेबी भी फारसी भाषा का शब्द है, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दवा, दरवाजा, दीवार फारसी भाषा का शब्द है, नमक बहुत शानदार शब्द है, नमक आपके फारसी भाषा का शब्द है, इसको अच्छे से देखकर जाना, तत्सम मत कर देना। ठीक है, बहुत शानदार उदाहरण है, ऐसा ही मैं पूछ लिया अभी अभी। नेक, बीमार, बीमार भी आपका कौन सा शब्द है फारसी भाषा का? मजदूर, मलाई, लगाम, शेर, शराब, सूखा, सूद, शेर, सौदागर, याद रखना फारसी भाषा का इंपोर्टेंट है, सुल्तान, सुल्फा, जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करना। सर हिंदी भाषा, हाँ हिंदी जो अपने आप में शब्द है ये आपके फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी है, हिंदू है, ये शब्द फारसी भाषा के शब्द है। ठीक है, हाँ
लिख लो आप यहां पर, हिंदी शब्द भी फारसी भाषा का है, घबराना नहीं है, हिंदी शब्द आपका फारसी भाषा का शब्द है, जल्दी से लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। वाली भाषा के शब्द भी आ गए, याद रखना आप तो अरबी फारसी की विदेशी भाषा के शब्द याद रखना, ठीक है। पुर्तगाली भाषा के शब्द भी है इसमें, याद रखना। अचार इंपोर्टेंट है, अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनायास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमीज को रटके जाना, कमीज कौन सी भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का। कमरा याद कर लेना, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गोभी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गोदाम पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चाबी तोलित नीलाम, पिपा पादरी, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, याद करके जाना पुर्तगाली भाषा, प से प याद कर लेना। प्याला पतलून, मेज, लवादा, संतरा, साबुन, याद करके जाना अच्छे से, ठीक है। चलो फटाफट इसमें ध्यान रखना, इसमें कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना, पुर्तगाली भाषा के शब्द है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, पुर्तगाली भाषा के समाप्त हो गए, ये लो तुर्की भाषा के आगे। अब तुर्की भाषा के शब्दों पर ध्यान देना, आका उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, इसको याद रखना, उर्दू उर्दू का शब्द नहीं है, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। एलची, काबू, खा, कैची, कैची आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। काबू तुर्की, कलंगी, हाँ तुर्की तुर्की भाषा का ही शब्द है, कलंगी भी तुर्की भाषा का। कालीन, खंजर, खा, चाक, चीक, चेचक, चेचक शब्द पूछे आपको, चेटक नहीं है, चेचक है, याद रखना, ठीक है। चलिएगा, ये तुर्की भाषा का शब्द है। चुगली, चोगा, तमगा, तमाशा, तोप, तमगा आपके तुर्की भाषा का शब्द है। बारूद, बहुत शानदार उदाहरण है, बारूद तुर्की भाषा का शब्द है। बाबरची, बीवी, बेगम, ये यहां से लेकर ये यहां तक ये इंपोर्टेंट कर लेना, बावर्ची, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, ये तुर्की भाषा के शब्द है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, जल्दी से एक बार देख लेना परीक्षा से पूर्व, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रेंच भाषा के शब्द, ये इंपोर्टेंट नहीं है, इनको ज्यादा ध्यान में देना। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कारतूस याद रख लो, एक तो फ्रेंच भाषा में, और एक कूपन ध्यान रख लो बस, बाकी इतने इंपोर्टेंट नहीं है। टेबल, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्ट्रा, सूप, ये आपके फ्रेंच भाषा के शब्द है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चीनी भाषा के शब्द, हाँ ये परीक्षा में जरूर पूछेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, चार ही शब्द है, चीनी से चाय बना लो, चीनी को चाय को ही कहते, याद रखना, चाय चीनी शब्द है। लीची, लोकाट, तूफान, ये चीनी शब्द है, ये इंपोर्टेंट है, सभी के सभी चार ही शब्द है, यही मिलेंगे आपको परीक्षा में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा, डच भाषा के शब्द, इसमें याद करो, एक तो बम को याद करो, ये डच भाषा का शब्द है। एक चिड़िया, चिड़िया शब्द को याद कर लेना, परीक्षा में गलत मत करना, डच भाषा का शब्द है चिड़िया, ठीक है। फिर देखेगा, जर्मन भाषा के शब्द, नाथसी, नाजीवाद, किंडर गार्टन, ये पूछ सकता है, गार्टन कौन सी भाषा का शब्द है या किंडर कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये लो आपका जापानी भाषा के शब्द आ गए, कोई बोल रहा था बार बार अभी, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, एक सायोनारा, ये दोनों जापानी शब्द है, दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है, इनका ध्यान रखना विशेष तौर पे, रिक्शा याद रखना, यूं समझो रिक्शा का आविष्कार किसने किया था, यूं समझ लो रिक्शा बनाने का काम किसने किया था, जापानियों ने, तो याद रह जाएगा, ठीक है। अगला देखोगे, तिब्बती भाषा के लामा व डांडी, दो ही शब्द है, याद रख लेना।
रूसी भाषा के शब्द जार सोवियत, ये आपको पूछा जा सकता है, सोवियत कौन सी भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है। फिर आप देखोगे रूबल, स्पूतनिक या बुजुर्ग, ठीक है। अगला आप देखोगे यूनानी भाषा के शब्द है, एकेडमी याद रखना, एकेडमी यूनानी भाषा का शब्द है, टेलीफोन यूनानी भाषा का शब्द है, बाइबल यूनानी भाषा का शब्द है, याद कर लेना ये विदेशी शब्द है। चलो अब हम बात करते हैं आगे की ओर। यहां पर संकर शब्द लिखा है, क्या लिखा है, संकर शब्द लिखा है। संकर शब्द किसे कहते हैं, हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग, परीक्षा में पूछा जा सकता, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकर शब्द। जब दो शब्द, दो भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाएगा तो वे संकर शब्द कहलाएंगे, याद करना, ठीक है। अब अग्नि बोट, एक तो अग्नि है एक बोट है। अब आप देखोगे कौन कौन सी भाषा का, अग्नि अलग भाषा का है, बोट अलग भाषा का, अग्नि संस्कृत शब्द है, बोट आपका अंग्रेजी, तो ये अग्नि बोट कौन सा शब्द होगा, ये संकर शब्द कहलाएगा। टिकट घर, टिकट आपके अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, ये असंकर शब्द कहलाएगा। रेलगाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है, तो ये संकर शब्द कहलाते हैं। तो दो भाषाओं के योग से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, याद करना, ठीक है, चलेगा। हाँ अलग, अब आ गए आपके परीक्षा में ये एक प्रश्न, ये जरूर आएगा, ये आज लिख लो आप, छप गया परीक्षा में कल एक, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, एक प्रश्न जरूर आएगा। अभी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता देता हूं, देखिएगा सबसे बड़ी बात तो मुहावरा और लोकोक्तियों में प्रश्न बने उससे पहले ये पता होना चाहिए कि मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं। इसमें से ये प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत है, कौन सा असंगत है, तो इस बात को याद रखना। देखना मुहावरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, ये याद कर लेना। मुहावरा अभी भी बताया था, अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना। मूल शब्द है, इसका अर्थ होता है अभ्यास, ठीक है। दूसरा परिभाषा देखना इसकी, जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है। कैसे, 9-2-11 होना, तो 9-2-11 होना, अब इसका अर्थ नहीं है 9-2-11 ऐसा नहीं 9+2 मिलाकर 11 होना, नहीं, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। क्या अर्थ होना है, भाग जाना है, याद रखना। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। नोट, मुहावरे को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरा को क्या कहते हैं, रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, चलिएगा। हाँ अब मुहावरे के लक्षण याद होने चाहिए, परीक्षा में ये पूछ सकता है कि मुहावरा वाक्य होता है या वाक्यांश। एक बात याद रखना, पहला जो आपके सामने लक्षण है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहावरा वाक्य या वाक्यांश, जवाब देना है मुहावरा वाक्य होता है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, मुहावरा आपका वाक्य होता है, मुहावरा कभी पूर्ण वाक्य नहीं होते, इस बात को याद रखना। मुहावरे का सामान्य अर्थ न निकलकर विशिष्ट अर्थ निकाला जाता है। एक ही बात याद रखोगे, मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है, लोकोक्ति वाक्य होती है, ठीक है, चलिएगा। अब देखोगे मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है, इन दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिएगा, मुहावरा वाक्यांश होगा, क्या होगा, मुहावरा याद रखना वाक्यांश होगा, और लोकोक्ति आपकी क्या हो जाएगी, वाक्य होगी। ये आपकी परीक्षा में असंगत व संगत में पूछा जा सकता है, याद रखना। अगला आप देखोगे, मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति का आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हो। मुहावरे में काल, वचन तथा पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, जबकि ऐसा लोकोक्ति में नहीं है, लोकोक्ति में कभी लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। इसमें से केवल एक ही बात याद रखो, मुहावरा वाक्यांश, लोकोक्ति वाक्य होती है, ये जरूर पूछ सकता है। अब इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है, चलो। हाँ अब आपके सामने यह भी तो एक समस्या है कि कौन सा मुहावरा होता है, कौन सी लोकोक्ति होती है, उसकी पहचान देख लो आप, यहां पर ध्यान रखना। मुहावरे के अंत में बहुधा ना आता है, क्या आता है, बहुधा
ना आता है मुहावरे के अंत में क्रिया सूचक, जिससे पता चलता हो कि ये क्रिया है। क्रिया सूचक शब्द करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं। ये मुहावरे की पहचान है, इसको इंपोर्टेंट कर लो, पता हो पढ़ाए। सुबह की पेपर में एक प्रश्न आया कि कौन सा मुहावरा है, कौन सा लोकोक्ति है, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। ये ट्रिक अपना लेना कि मुहावरे के अंत में बहुधा ना आता है और वहां पर अंत में क्रिया सूचक शब्द आएंगे, जैसे करना, होना, ऐसे शब्द आएंगे। लोकोक्ति में क्या आएगा देखना, लोकोक्ति में प्रायः ऐसा कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं मतलब ये चीजें लोकोक्ति में नहीं आती, वहां सब कुछ सामान्य रहता है, ठीक है। दूसरा, मुहावरे में उद्देश्य विधेय का बंधन नहीं होता है, लेकिन अर्थ की स्पष्टता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो, आप रहने दो, परीक्षा से संबंधित नहीं है। अब देखो फटाफट, इधर तो आपके सामने क्या लिखा है, मुहावरा लिखा है, और इधर आपके सामने क्या लिखा है, अर्थ लिखा है। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा, अकल के पीछे लट लेकर फिरना, मूर्खता प्रदर्शित करना, अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, अच्छे दिन आना, भाग्य खुलना, अंग अंग फूले न समाना, बहुत दुखी होना। साथ में स्क्रीनशॉट जरूर लेना, याद रखना, साथ में स्क्रीनशॉट जरूर लेना। परीक्षा में मुहावरा और लोकोक्ति का एक प्रश्न कल छपेगा, ये याद रखना, ठीक है। आग से खेलना, मतलब आग से खेल रहा है, मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आग से कोई खेलता ही नहीं है, कोई खेल रहा तो जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आग में घी डालना, आग पहले से लग रही है, थोड़ा और घी डालोगे तो आग क्या करेगी, बढ़ जाएगी, फैल जाएगी। तो क्रोध को भड़काना, आंच ना आने देना, हानि या कष्ट ना होने देना। आस्तीन का साफ होना, मतलब कपटी मित्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कपटी मित्र को कहा जाता है, याद रखना। स्क्रीनशॉट जरूर लेना साथ में, हाँ साथ में। के साथ में मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूंगा, आकाश के तारे तोड़ना, मतलब असंभव कार्य करना। आकाश सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, ये इंपोर्टेंट है। इसमें यहां पर ऐसा मत कर देना कोई दूसरा। आकाश पाताल एक करना, बहुत शानदार उदाहरण है। कठिन प्रयत्न करना, आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर दुखी होना। आंसू पीकर रह गए, अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। आठ आठ आंसू गिराना, याद रखना, पश्चाताप करना। पता चला है कि पढ़ाई तो की नहीं, अब आठ आठ आंसू गिरा रहे हो, नहीं, तो याद रखना पढ़ाई करनी। आठ आठ आंसू गिराना का मतलब पश्चाताप करना, याद रखना, ठीक है। बहुत अच्छे उदाहरण है, एक बार देख लो ऐसे ही सरसरी निगाह से। इतिश्री होना, देख लो आपको मैंने तरीका क्या बताया कि मुहावरे में अंत में ना आता है, ये आप देख लो, ये रहा ना, ये देखो क्रिया होना, देना, बजाना, तैरना, ये सभी में ना आ रहा है, तो जहां अंत में ना आएगा वहां मुहावरा होगा, ये इंपोर्टेंट याद। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ाई से पेश आना, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। आंखें तैरना, क्रोध से देखना, इंपोर्टेंट है आंखें तैरना, याद रखना। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा, आग लगने पर कुआं, एक और एक ग्यारह होने का मतलब यहां पर संगठन में शक्ति है, इंपोर्टेंट है, एकता में शक्ति होना, इसको आप इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है। एक लाठी से आंकना, सभी को समान रूप से, मतलब सबसे एक जैसा व्यवहार करना। अगला देखोगे, एक आंख से देखना, एक ही एक आंख से देखना, मतलब भेदभाव नहीं करना। एक आंख का मतलब सभी को समान रूप से देखना। अगला देखोगे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, मतलब एक ही प्रवृत्ति के होना। नहीं कहते ये सारे दोस्त एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब उनमें क्या है, एक समान गुण है, ठीक है। चलिएगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और एक मैं बात कह रहा हूं, अब मात्र 20 मिनट का खेल और बचा है, परंतु शब्दकोश की महत्वपूर्ण क्लास है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। अब आपको थोड़ी देर और बने रहना। ओखली में सिर देना, ओखली नहीं होती जिसके ऊपर ऐसे कूदते, जानबूझकर विपत्ति में फंसना। ओढ़ लेना इंपोर्टेंट है, जिम्मेदारी लेना, इसको इंपोर्टेंट कर लेना। ओढ़ लेने का अर्थ क्या होगा, जिम्मेदारी लेना। आउर का आउर होना, याद रखना, एकदम बदल जाना, ठीक है। ओने पोने बेचना, इंपोर्टेंट है। ओने पोने बेचने का मतलब ये हो जाएगा, हानि उठाकर बेचना। क्या होगा, हानि उठाकर बेचना, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिएगा, ओगट गाट चलना, मतलब सही रास्ते पर न चलना।
काट खाना, इंपॉर्टेंट है काट खाना, सुनेपन का अनुभव, ठीक है, गले का हार होना, गले का हार का मतलब बहुत प्रिय, ठीक है, याद रखना बहुत प्रिय। कूप मडुक होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूप मडुक होने का मतलब अल्पज्ञ होना, क्या होना, अल्पज्ञ होना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कन्नी काटना मतलब आंख बचाकर खिसक जाना, कसौटी पर कसना मतलब परीक्षण करना, ठीक है, कलेजा मुंह को आना, व्याकुल होना या बहुत परेशान होना, कलेजा ठंडा होना मतलब संतुष्ट होना। अभी रीट कई परीक्षा के अंदर सेंटर पे जा रहे सभी और आराम से परीक्षा से पहले अपने निवास स्थान पे पहुंच जाएंगे, बोलेंगे कलेजा ठंडा हुआ मतलब संतुष्ट हो गए कि हाँ भाई अब हम यहां सकुशल पहुंच गए, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से इन प्रश्नों का। हाँ अब देखिएगा अगला, कोड़ी के मोल बिकना मतलब बहुत सस्ता होना, कान का कच्चा होना, जल्दी बहकाव में आना, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, कान का कच्चा होना मतलब कोई जल्दी बहकाव में आ जाता उसे कहते, कान पर जू ना रेंगना ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कोई असर ना होना, कोई असर नहीं होना। खून खोलना मतलब गुस्सा आना, खेत रहना मतलब खेत में नहीं रहना याद रखना, यूनिक खेत में रह गया कोई, खेत रहने का मतलब होता है युद्ध में मारा जाना। खाक में मिलना बर्बाद होना, देखो मिलना और मिलाना दोनों अंतर है, खाक में मिलना बर्बाद होना, खाक में मिलाना बर्बाद कर देना याद रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखोगे आप तो आपके समक्ष कलेजे का टुकड़ा होना अत्यंत प्रिय होना, कागज की नाव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है याद रखना, क्षणभंगुर होना मतलब कागज की नाव आप पानी में जैसे रखोगे क्षणभंगुर मतलब थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है चलेगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्यवाही करना याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं करना इंपॉर्टेंट है। किसी का घर जलाकर अपने हाथ सेकना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का घर जलाकर अपने हाथ सेकना, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना मतलब आपको तो सिर्फ हाथ सेकने, उसके लिए आप किसी का जर क्या घर क्या कर रहे हो जला रहे हो, तो छोटे से अपने लाभ के लिए किसी का बड़ा नुकसान नहीं करना ऐसा, ठीक है चलिएगा। अब आपके सामने ये तो सारे मुहावरे थे, अब आपके सामने लोकोक्ति आ रही है, क्या आ रही है, लोकोक्ति आ रही है, तो लोकोक्ति का आप स्वागत कर लीजिएगा, फिर हम फटाफट लोकोक्ति की ओर बढ़ेंगे। हाँ अब थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि लोकोक्ति के अंदर भाषा जो है वो क्लिष्ट होती है और मुहावरे जो है उनके पीछे ना आता है, थोड़े से दिखने में सरल होते, मुहावरे पहचाने तो भाषा क्लिष्ट होगी। अब देखो आपको यहां पर बता देता हूं, पहला जो आप देखोगे अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी अधिक इतराता है, ठीक है, अधजल गगरी मतलब होता है ऊपर जो मटकी होती है उसको कहते हैं, अध का मतलब होता है आधा, जल से भरी हुई, आधी मटकी जब सिर पे होती है आप ऐसे ऐसे चलते हो तो वो पानी बाहर आता है, इसका मतलब वो पानी आधा है तो बता रहा है कि मैं पानी हूं, और पूरा भरा हुआ होता ना वो कभी बताता नहीं, ठीक है, तो ओछा आदमी अधिक इतराता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम ज्ञान वाला आदर पाता है, देख लो लोकोक्ति के पीछे ना नहीं आ रहा, सामान्यता ना नहीं आएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से अच्छी वस्तु मिल जाना याद रखना, अधजल गगरी छलकत जाए इंपोर्टेंट है, अंधे के हाथ बटेर लगना ये लोकोक्ति है ना आ रहा तो भी, ठीक है। फिर आप देखोगे अंधा पीसे कुत्ता खाए, क्या लिखा, अंधा तो पीस रहा है कुत्ता खाए, तो मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं, असावधानी से अयोग्य को लाभ याद रख लेना अच्छा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इंपोर्टेंट है ये लोकोक्ति, अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है याद रख लेना, बहुत इंपोर्टेंट है ये भी। अगला उदाहरण देखना, अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे मतलब निर्दय व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है याद रखना,
अंधेर नगरी चौपट राजा इंपोर्टेंट है, प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना। दूसरी बात और याद रखना, साफ शब्दों में बता रहा हूं, मुहावरे और लोकोक्तियों का कोई सटीक अर्थ नहीं होता है, परीक्षा में उनसे मिलता जुलता 19-20 का अंतर हो सकता है, बिल्कुल सेम अर्थ नहीं मिल सकता है, तो उसी आधार पर आपको उत्तर देना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अंधा क्या चाहे दो आंखें, बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना। याद रखना, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, ये याद रखना, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, तालमेल का अभाव या अलग अलग मत होना या एक मत का अभाव, इसको आप याद रखना, तालमेल का अभाव या अपना अपना मत या एक मत का अभाव। फिर आप देखोगे, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, बहुत शानदार लोकोक्ति है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों को ही सहायता करता है। याद रखना, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब हर प्रकार से लाभ होना, आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम, नाम तो रख दिया शेर और डरता किससे, चूहे से, तो गुणों के विपरीत क्या हो जाएगा, नाम। अगला देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, बहुत इंपोर्टेंट लोकोक्ति है, हर बार एग्जाम में आया हुआ यह प्रश्न, ध्यान रखना, उद्देश्य से भटक जाना या श्रेष्ठ काम करने की बजाय तुच्छ कार्य करना। काम तो करने गए, रीट की परीक्षा देने, घूम कर आ गए, रीट की परीक्षा दी नहीं, तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, गए थे रीट की परीक्षा देने, वहां क्या करने लगे, घूमने लगे, तो उच्च कार्य कौन सा हुआ, रीट की परीक्षा, निम्न कार्य क्या हुआ, घूमना, तो घूमना नहीं है, वहां जाके रीट की परीक्षा देनी है, उसके बाद घूमना है। आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल मिश्रण या बेमेल चीजें जिसमें सामंजस्य का क्या हो, अभाव हो। अब आगे की ओर बढ़ोगे, इन तिलों में तेल नहीं, किसी लाभ की आशा नहीं होना, क्या होना, किसी लाभ की आशा न होना। आठ कनौजिए नौ चूल्हे, बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, आठ कनौजिए नौ चूल्हे फूट होना, आठ तो कनौजिए हैं, नौ चूल्हे, तो ऐसे समझो घर में आठ लोग हैं और नौ चूल्हे, मतलब उनमें फूट है, क्या है, फूट है, ठीक है। अब देखोगे, उधो का न लेना न माधो का देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, उधो का न लेना न माधो का देना, किसी से मतलब ना रखना, सबसे अलग, अभी रीट की परीक्षा है तो ना उधो से लेना न माधो से लेना, सब कुछ किससे लेना देना है, रीट की परीक्षा से, ठीक है। चलिएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, याद रखना, केवल बाहरी दिखावा, ऊंट के मुंह में जीरा, इंपॉर्टेंट है, परेशान करेगा ये उदाहरण परीक्षा में, आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट को खाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, उसके मुंह में आप जीरा दोगे, तो यहां पर क्या लिखा है, आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, जितनी आवश्यकता है वह पूर्ति बराबर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिएगा अगला, आप देखोगे, ऊंट किस करवट बैठता है, बहुत अच्छा उदाहरण है, ऊंट किस करवट बैठता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परिणाम में अनिश्चितता होना, क्या होना, परिणाम में अनिश्चितता होना, एक अनार सौ बीमार, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अनार सौ बीमार, मतलब वस्तु कम है, चाहने वाले अधिक, एक अनार सौ बीमार, सीटें कितनी है, 30,000, चाहने वाले कितने हैं, लाखों में, कितने हैं, लाखों में है, 26,00,000 लोग है, इसका मतलब क्या है, एक अनार है 100 बीमार है, तो एक कम वस्तु है और चाहने वाले अधिक है, ध्यान रखना, वो इसमें ये कंफ्यूज करेगा परीक्षा में, याद रखना, ये ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब तो आवश्यकता की नगण्य पूर्ति होती है, और इसका मतलब एक अनार 100 बीमार का मतलब वस्तु कम चाहने वाले अधिक, इन दोनों को परीक्षा में साथ में दे तो ध्यान रखना, एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है, मतलब एक की बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं, एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, दो प्रशासक एक ही जगह एक ही साथ शासन नहीं कर सकते। अगला देखोगे, कोयले की दलाली में हाथ काले करना, कोयले का काम करोगे तो हाथ तो कैसे होंगे, काले होंगे, मतलब बुरे काम का परिणाम भी बुरा,
होता है, दुष्टों की संगति से कलंकित होते हैं। ईंट की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या लिखा हुआ है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब क्या हुआ? अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्र करना या इधर उधर से सामग्री जुटाकर कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना। भानुमति दुर्योधन की पत्नी है, कर्ण और भानुमति दोनों क्या है ऐसे खेल रहे थे, तो भानुमति हार रही थी तो जाने लगी, तो कर्ण ने ऐसे पकड़ा था हाथ, तो उसके ये मोती जो है वो गिर गए, तो वो ऐसे झुक कर लेने लगी, तो फिर उधर से दुर्योधन आ गया, तब ये कहावत प्रचलन में आई, कहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। याद रखना, कहीं नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, एक दूसरे के काम आना, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी नाव गाड़ी पर आ जाती, गाड़ी कभी नाव पर आ जाती। फिर देखोगे काबुल में क्या गधे नहीं होते, इंपोर्टेंट है याद रखना। मूर्ख सब जगह मिलते हैं, काऊ नृप नृप हो हमें का हानि, अपने काम से मतलब रखना, ये याद रखना, परीक्षा में छप सकता है उदाहरण। स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में। कौवा चला हंस की चाल दूसरों के अनधिकार अनुकरण से, कौवा चला हंस की चाल भूल गया अपनी चाल, मतलब दूसरों के अनधिकार अनुकरण से अपने रीति रिवाज भूलना, दूसरों की नकल करने के चक्कर में आप अपने चाल चलन व्यवहार को भी क्या है भूल जाओगे। ठीक है, चलेगा अगला प्रश्न। कभी घी गणा तो कभी मुट्ठी चना, मतलब परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती। क्या लिखा है? परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, ये इंपोर्टेंट है लोकोक्ति, इसका ध्यान रखना। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, काम निकाल कर मुंह फेर लेते हैं, याद रखना। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। काज कछु, काज का मतलब होता कार्य, कछु का मतलब जब पड़ता डब। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। क्या है? अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। अगला प्रश्न देखोगे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब स्पर्धावश काम करना या साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है। खिसियानी बिल्ली खंबा खोसे, इंपोर्टेंट है याद रखना। शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना, घाघर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ये इंपोर्टेंट है। घाघर में सागर बहना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। फिर देखो अगली लोकोक्ति, गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए, इंपोर्टेंट है। गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए, चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। गवाई चुस्त मुदई सुस्त, ये बहुत इंपोर्टेंट, अभी अभी ऐसा ही परीक्षा में आया था। स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना। आपका खुद का कार्य, खुद के घर में शादी है, आप तो बढ़िया बनठन के घूम रहे हो और आपके दूसरे रिश्तेदार काम करे, तो इसका क्या मतलब हो गया? गवा चुस्त मुदई सुस्त, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। झूठा ढोंग करना, क्या करना? झूठा ठेंग है तो नशेड़ी बोलते, मैं तो चाय भी नहीं पीता हूं, तो ये बात क्या कहलाएगी? गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इंपोर्टेंट है, उनको ध्यान से देखना। गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बहुत ही इंपोर्टेंट लोकोक्ति है, इस बात को ध्यान रखना। अपने स्थान पर सम्मान नहीं मिलता है, अपने गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं, मतलब दूसरे गांव से कोई जोगी जोगना आ जाए तो उसको सब पूछते कि शुद्ध सिद्ध पुरुष आए। ठीक है, याद रखना। गरीब तेरे तीन नाम, झूठा पापी बेईमान, मतलब गरीब पर ही सदैव दोष मढ़े जाते हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, जब प्रेम से कोई कार्य हो रहा है तो दंड क्यों दिया जाए। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, ये लोकोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। अवसरवादी होना, ये आया हुआ है परीक्षा में। गुरु कीजे जान पानी पीवे छान, अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। घोड़ा गा से दोस्ती करे तो खाए क्या, मजदूरी लेने में संकोच कैसा। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न।
घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या लिखा है? घर की मुर्गी दाल बराबर, अधिक परिचय से सम्मान कम, घरेलू सामानों का मूल्य हीन होना, घर आए नाग न पूजे बाबी पूजन जाए, ये आप इंपोर्टेंट कर लो, ये पूछा जा सकता है। अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना, रेट की परीक्षा अब है, अब पढ़ाई की नहीं और बोल रहे अब जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तब मैं रेट की पढ़ाई करूंगा, तो यही बात होगी, घर आए नाग न पूजे बाबी पूजन जाए। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, विद्वान का अपने घर की अपेक्षा बाहर अधिक सम्मान होता, बिल्कुल सही है। परिचित की अपेक्षा अपरिचित का विशेष आदर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना, चिकने गड़े पर पानी नहीं ठहरता, इंपोर्टेंट है, निर्लज पर किसी बात का असर नहीं होता है। चील के घोंसले में मांस कहां, याद रखना भूखे के घर में भोजन कभी नहीं मिलता। चोरी का माल मोरी में, बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का सशंकित होना, अपराधी के कार्यों से दोष प्रकट हो जाना। ठीक है, चलिएगा, हाँ थोड़ी सी और लोकोक्तियां हैं, फिर लोकोक्तियां समाप्त हो जाएगी, फिर कुछ नया अध्याय लेंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं। छचुंद्र के सिर में चमेली का तेल, ये याद रखना, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी, जहां सुई से काम होगा वहां तलवार क्या करेगी, तो छोटी वस्तु से जहां काम निकलता हो वहां बड़ी वस्तु का उपयोग नहीं होता है। जल में रहकर मगर से बेर, मतलब बड़े आश्रयदाता से दुश्मनी ठीक नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, विलोम शब्द क्या आ गया, विलोम शब्द आ गया, ये याद कीजिएगा, बहुत अच्छा अध्याय है, परीक्षा में पूछा जाता है। विलोम शब्द की शुरुआत यदि स्वर से हो रही है तो उसमें अन उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बना सकते हैं, यदि व्यंजन से शुरुआत हो रही है तो उसमें आप अ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बना सकते हो, ध्यान से देखना फटाफट। ठीक है, चलिएगा, आहूत का विलोम शब्द क्या बनेगा, अनाहूत, आहूत मतलब बुलाया हुआ, अनाहूत बिना बुलाया हुआ। ठीक है, चलिएगा, यश का विलोम शब्द क्या होगा, अपयश। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, अपकीर्ति। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा, वितृष्णा। आशा का विलोम शब्द क्या होता, दुराशा। असामिस का विलोम शब्द क्या होता, निरामिस, इसको इंपोर्टेंट कर लो। दूसरा सामिस यानी मांस खाने वाला, और यह आप कह सकते हो आमिस, आमिस का मतलब ही मांस खाने वाला ही होता है, याद रखना। निरामिस का मतलब क्या होता है, मांस नहीं खाने वाला। ठीक है, चलिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष, गात का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिगात। गुण का विलोम शब्द क्या होता, अवगुण। ये विकल्प में नहीं मिलेगा तो फिर तद्भव उपसर्ग जोड़ के भी बना सकते हो, गुण का अवगुण। ठीक है, सदोष निर्दोष बनेगा। विभव का विलोम शब्द पराभव बनेगा। स्वार्थ का विलोम शब्द परार्थ। स्वार्थ मतलब स्वयं का हित चाहता है, परार्थ का मतलब होता है दूसरों का हित चाहने वाला, ये परार्थ भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या बनेगा, अपकर्ष, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलेगा, अगला विलोम शब्द, अवर का विलोम शब्द क्या बनेगा, परवर, इंपोर्टेंट है। संकल्प का विलोम शब्द विकल्प बनेगा, याद रखना, इंपोर्टेंट है। अनुराग का विलोम शब्द विराग, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अनुकूल का प्रतिकूल, इंपोर्टेंट है। अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम, इंपोर्टेंट है। उपकार का विलोम शब्द अपकार, इंपोर्टेंट है, याद रखना। लघु का विलोम शब्द गुरु है था। अब देखना, अब इनमें आप प्रत्यय जोड़ते जाओगे, इन शब्दों की रचना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन शब्दों की रचना हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। देखो, लघु का विलोम शब्द गुरु है, इसी को मैं बहुत सारे प्रत्यय जोड़कर बनाऊंगा, अलग अलग बनता जाएगा। अब इसमें मैं अप्रत्यय जोड़ूंगा, लघु से बन जाएगा लागव, ये बन जाएगा, इधर विलोम शब्द बन जाएगा गौरव, इसमें आप विलोम शब्द बनाओगे लगीमा, क्या बनेगा लगीमा, ये बन जाएगा इधर विलोम शब्द गरिमा, क्या बन जाएगा गरिमा, इधर आप विलोम शब्द बनाओ लघुत्व, क्या बन जाएगा लघुत्व, तो उधर जाके विलोम शब्द बन जाएगा गुरुत्व, क्या बन जाएगा गुरुत्व, इधर बनेगा लघुता, तो उधर जाके बन जाएगा गुरुता, लघुता, ये विलोम शब्द बन जाएगा गुरुता, क्या बन जाएगा गुरुता। इस प्रकार से इधर जो
प्रत्यय जुड़ा है उसी से उधर जाके प्रत्यय आप बना सकते हो। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ये लो आपके एक और सिलेबस में टॉपिक है आपका, ये रहा राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। ध्यान देना, परीक्षा में कोई सा भी एक राजस्थानी भाषा का शब्द आएगा उसका आपको हिंदी में अर्थ पूछेगा, ध्यान से करना। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। अब देखोगे आप इसके अंदर कौन से शब्द का कौन सा अर्थ है। टोडिया, क्या लिखा है? टोडिया, टोडिये का अर्थ होता है ऊंट का बच्चा। क्या होता है? ऊंट का छोटा बच्चा होता है, उसे कहते हैं। पाकटा, पाकटा का अर्थ होता है बूढ़ा ऊंट। क्या होता है? बूढ़ा ऊंट। बेवाण, बेवाण कहते हैं देवताओं का विमान। अभी भी थोड़ा टाइम पहले यात्रा निकली थी तो उसमें देखा होगा आपने। सिरावन, सिरावन का अर्थ होता है प्रातः काल का भोजन। क्या होता है? प्रातः काल का भोजन। ब्यालू, क्या लिखा है? ब्यालू, ब्यालू का अर्थ होता है रात्रि का भोजन। क्या होता है? रात्रि का भोजन। फिर लिखा है चील गाड़ी, क्या लिखा है? चील गाड़ी। चील गाड़ी याद रखना, शेखावटी क्षेत्र में वायुयान को मतलब हवाई जहाज को कहा जाता है, शेखावटी के क्षेत्र में चील गाड़ी याद रखना। बिनोटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। बिनोटा वर की जूतियों को कहते हैं, वर की जूतियों को कहते हैं, वधु की जूतियों को नहीं। अगला देखिएगा, सपाटा या लीतरा, ये वधु की जूतियां, वधु की जूतियों को क्या कहते हैं? सपाटा या लीतरा। लांटा किसको कहते हैं? कटी हुई फसल का जो कर होता है वह लांटा कहलाता है। कुंता, कुंता कहते हैं खेत में खड़ी फसल पर लिया जाने वाला कर। फिर आप देखोगे आंबली, आंबली कहते हैं इमली को। और सूड कहते हैं मानसून से पूर्व खेतों की जो सफाई की जाती है उसे कहते हैं सूड। क्या कहते हैं? सूड। मानसून से पहले जो खेतों की सफाई होती है उसे कहते हैं सूड। इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिएगा। हाँ, एक भाई साहब कह रहे बीएल मीणा, हम भी चील गाड़ी कहते हैं पूरी राजस्थान वाले। बिल्कुल सही। तो चील गाड़ी ध्यान रखना हवाई जहाज को कहते हैं। कब कहते हैं? शेखावटी वाले क्षेत्र में, याद रखना। अगला प्रश्न देखो आप, उमरा, उमरा का अर्थ होता है बीज डालने की विधि। जो बीज डालते हैं खेतों में उस विधि को उमरा कहते हैं। प्राणी याद रखना, यह शब्द आपका प्राणी है। प्राणी, ठीक है। प्राणी जो होती है एक लकड़ी होती है जिसको बेलों को हांकने की लकड़ी, किसको कहते हैं? बेलों को हांकने की लकड़ी। रेलणी, रबी की फसल से पूर्व जो सिंचाई होती है जिसको रेलणी कह दो या रेलणा कह दो, एक ही बात है। ठीक है, उस सिंचाई को कहते हैं। ठीक है, सुवार किसे कहते हैं? खेत को समतल करने की विधि सुवार कहलाती है। बिलोवणा किसे कहते हो? बिलोवणा दही मथने का बर्तन, जो दही मथने का ऐसे दही रखने का आता है उसमें ऐसे हिलाकर जो फेरते हैं उसको कहते हैं। जेरना, जेरना उस रस्सी को कहते हैं। दही मथने का जो यंत्र होता है, दही मथने का जो यंत्र लगता है उसको जेरना कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और नेत्रा, नेत्रा कहते हैं जेरने पर बंधी जाने वाली रस्सी। जो जेरना होता घुमाने का लकड़ी टाइप का, जो उस लकड़ी टाइप के बांध कर जो हाथ में आपके रस्सी होती है उसे कहते हैं नेत्रा। कचोटी या इसको कसोटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कचोटी या कसोटी। ठीक है, ये आटा गूंथने का लकड़ी का पात्र। पहले, अभी तो नहीं है, अभी तो वर्तमान में सबके वो स्टील की आ गई। पहले लकड़ी का बड़ा सा ऐसा पात्र होता था जिसको कसोटी या कचोटी कहते हैं, जिसमें आटा गूंदा जाता था। पहले संयुक्त परिवार रहते थे तो बड़ी सी कचोटी होती थी ऐसे लकड़ी की। ठीक है, चाटू, चाटू किसे कहते हैं? लकड़ी का जो चम्मच होता है उसे चाटू कहते हैं। चेजारा, क्या लिखा है? चेजारा, चेजारा कहते हैं कारीगर को। किसको कहते हैं? कारीगर को, जो भवन वगैरह ये निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिएगा। हाँ, तो अब आज की क्लास मेरे द्वारा तो मैंने करवा दी, और यदि आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछे, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर भी आपको जवाब दे दूंगा। और अब देखिएगा, संधि जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, और संधि लगभग लगभग सभी बच्चे को बहुत अच्छे से आती है। एक प्रश्न संधि का आएगा, और संधि अपने आप में बहुत बड़ी है। चलिएगा, और कोई, हाँ, पूरा पेपर मैंने रिवाइज करवा दिया है इस कक्षा के अंदर। आप देखोगे आपका पूरा पेपर है। अब याद रखना, कल हो सकता है समय मिलेगा तो समय रहते हुए मैं आपके एक शिक्षण वीडियो का ऐसा धमाका करने वाला हूं जिसमें आपके हिंदी की
पूरी शिक्षण विधियां होगी, जितनी भी आपके शिक्षण विधियां है। तो याद रहना, हो सकता है आप तैयार रहे, कल शिक्षण विधियों के साथ मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखना अपने माता पिता को, और पेपर देना है बहुत शानदार तरीके से, बहुत आराम से पेपर को हल करना है, बहुत धैर्य से काम लेना है। याद रखना आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी प्रश्न हल करने हैं। हिंदी में आपको एक प्रश्न को दो बार पढ़ना है, वहां पर आपको मार्क करना है कि संगत पूछ रहा है कि असंगत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। और आपको कक्षा अच्छी लगी है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके साथ मैं सदैव वैसे ही बना रहूंगा। आपका रिवाइज हो गया, बहुत शानदार लगी आपको क्लास, और सभी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। हाँ ललिता जी, मैंने वाच्य इसमें करवा दिया, और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो संकल्प क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप टॉपिक का नाम लिखिएगा, साथ में मेरा नाम लिखिएगा, भवानी सिंह चुंडावत, आपको उसमें वो टॉपिक मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। मैंने सारे टॉपिक पहले करवा दिए हैं, ठीक है, चलिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, चलिएगा। राजस्थानी भाषा के शब्द मैंने करवा दिए हैं, आपको सभी करवा दिए। आपका कोई डाउट हो इस पूरी कक्षा से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से वहां पर, आप क्लास खत्म होने के बाद भी वहां पर भेज दीजिएगा, मैं आपको थोड़ी देर में ही जवाब दे दूंगा, या टेक्निकल टीम को बता दूंगा, वो आपको वहां पर जवाब दे दीजिएगा। अभी आराम से नींद लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। कल समय मिला तो मैं आपके साथ में जरूर लाइव जुड़ूंगा, और शिक्षण विधियों का एक सेशन और लेकर आऊंगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।